नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे किरण रामायण ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग आपका भारत का इतिहास देख चुके हैं, विश्व का इतिहास भी देख चुके हैं, भारतीय कला और संस्कृति को भी देख चुके हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान को भी देख चुके हैं, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल भी देख चुके हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण राज्य थे, उनके बारे में हम लोग सामान्य जानकारी दे चुके हैं आप लोगों को। उसके बाद आपकी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी को पूरा खत्म कर चुके हैं। सामान्य विज्ञान की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें आपका विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं को देख चुके हैं, वैज्ञानिक यंत्र आविष्कारक और आविष्कारक, प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के बारे में भी बात कर चुके थे। तो याद रखिए, विज्ञान का पार्ट थोड़ा बड़ा है, इसलिए पार्ट में एक एक करके ला रहे हैं। तो एक पार्ट में आपका ये चारों टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में, फिजिक्स के बारे में, ठीक है। याद रखिए, किरण सामान्य ज्ञान को आप लोग, अगर आपके पास है सुविधा तो आप खरीद लें इसे, क्योंकि मुझे लगता है कि इसे आप अगर कवर कर लेते हैं तो SSC, बैंक, रेलवे, इस तरह के वनडे एग्जाम छोड़िए, काफ़ी हद तक आप लोग स्टेट PCS प्रीलिम्स भी इससे कवर कर सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छी बुक्स लिखी गई और विस्तार से लिखी गई है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान। तो क्या क्या देखेंगे भौतिक विज्ञान में? भौतिक राशियों के मात्रक एवं विमाएँ, गति के नियम भी जानेंगे। याद रखिए, जितने भी क्लासें होंगी आपकी किरण सामान्य ज्ञान से संबंधित, वो सभी किरण सामान्य ज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसी में डली हुई है। अभिकेंद्र और अपकेंद्र बल क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, उस पर भी बात करेंगे। कार्य ऊर्जा और शक्ति क्या है, उस पर भी बात करेंगे। दाब क्या है, फिलावन क्या है, फिर उसके बाद पृष्ठ तनाव के बारे में जानेंगे। श्यानता एवं श्यानता गुणांक, सरल आवर्ती आवर्त गति क्या है, इसे देखेंगे। तरंग गति और ध्वनि के बारे में भी जानेंगे हम लोग। याद रखिए, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, इतना मटेरियल उपलब्ध करा देंगे कि आपका कोई भी एग्जाम हो छूटेगा नहीं। कोई भी क्वेश्चंस आता है आप लोग आराम से सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। उसके बाद ऊष्मा के बारे में बात करेंगे, प्रकाश भी देखेंगे, विद्युत धारा, चुंबकत्व, आधुनिक भौतिकी और भौतिकी संबंधित महत्वपूर्ण खोज क्या क्या हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इतना पढ़ लीजिए, फिजिक्स के लिए काफ़ी है आपका। कोई भी क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता है कि आपका छूटेगा इतना पढ़ने के बाद, ठीक है। और जो क्वेश्चंस अगर छूटता ही है तो वो आपसे नहीं, सबसे छूटेगा, फिर कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी हो। क्योंकि आप देखते हैं कि कई क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, चाहे वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हो, वो भी सॉल्व नहीं कर पाता है उन क्वेश्चंस को। एक बात हमेशा बोलता है कि मुझे लगता है SSC का पेपर सिविल सर्विस से कठिन आता है, आप देखिए कभी। मेरा कहने का मतलब, प्रीलिम्स है जो, उसमें कम से कम, उसमें अगर आपने NCERT पढ़ी हुई है, आपका बेस कंप्लीट है, तो आप वहाँ ज्ञान लगा सकते हैं अपना। लेकिन SSC में कई बार सामान्य ज्ञान के ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं कि कोई सॉल्व करने की स्थिति में ही नहीं होता है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव और ऊर्जा के विभिन्न अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान कहते हैं। लॉर्ड केल्विन के अनुसार अगर इनकी परिभाषा की बात करें तो ये क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। आपसे क्वेश्चंस किस तरह से बनेगा, ये आपको या तो तथ्य दे देगा, ठीक, और पूछेगा कि ये किसने परिभाषा दी थी, तो लॉर्ड केल्विन ने, या फिर इनका नाम दे दिया गया, ये नीचे विकल्प में दे दिया गया। तो इस तरह से याद रखिए, वे सभी राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा प्रत्येक रूप से मापा जा सकता है, उन्हें हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं। जिन्हें वे सभी राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। इसमें आप ले सकते हैं लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, समय हो गया। लंबाई आप देखते हैं ना, द्रव्यमान भी देखते हैं आप लोग, ताप भी देखते हैं कि इतना टेम्परेचर है, समय भी देखते हैं कि कितने बजकर कितने मिनट हो चुके हैं। जिस इकाई में भौतिक राशि मापी जाती है उसे हम लोग मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस इकाई में भौतिक राशि होती है आपकी, उसे मापा जाता है, उसे मात्रक कहते हैं। जो भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है उसे हम लोग संख्यात्मक मान कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यात्मक मान। राशि का परिमाण
बराबर संख्यात्मक मान इंटू मात्रक, इस तरह से आपका राशि का परिमाण निकल आएगा। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मापन में प्रयुक्त मात्रक के परिणाम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मात्रकों को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं, जैसे आपने लंबाई, द्रव्यमान, समय। मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, त्वरण, वेग, आवेग। इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है, इनमें से चार दे देंगे विकल्प, जिनमें से तीन ए हो जाएंगे, एक त्वरण, तो आपको याद रखना है, इन्हें भी पूछ लेगा। देखिए कुछ भी क्वेश्चंस बन सकता है, बस आपको क्वेश्चंस बनाने आना चाहिए, ठीक है। वहाँ भी इसी तरह से आपकी तरह कोई शिक्षक बैठा रहता है, वो क्वेश्चंस बनाता रहता है, तो आप टेंशन मत लिया करिए, आप क्वेश्चंस बनाइए और उनके आंसर याद कीजिए, उन्हें बनाने दीजिए, उनकी छुट्टी दीजिए, वो क्या करते हैं। अगर आप क्वेश्चंस सभी तरह से बनाना सीख गए तो वो कोई भी क्वेश्चंस बनाए आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। भौतिक राशियों के मात्रक और बीमाएँ, इनसे क्वेश्चंस आपका बनता आया है। भौतिक राशियों की तुलनात्मक माप के मात्रकों का उपयोग किया जाता है, जबकि किसी भौतिक राशि में को तीन मूल इकाइयों लंबाई, मात्रा, समय के माध्यम से व्यक्त करना विमा कहलाता है। विमा, बीमा नहीं, विमा। मापन के लिए प्रचलित प्रमुख पद्धतियों की बात करें तो FPS फुट पौंड सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, SI यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये मापन के लिए सभी आपकी पद्धतियां हैं। 1960 कब, सन 1960 में मात्रा एवं भार पर संपन्न सामान कॉन्फ्रेंस में SI पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया। आप सोचिए कि आपके यहाँ अलग लंबाई मापी जा रही हो, दूसरे देश में अलग लंबाई मापी जा रही हो, तीसरे देश में अलग मापी जा रही है, इसे आप लोग अपने गांव में भी लगा सकते हैं। आपके गांव में आपके गांव के आसपास पांच गांव हैं, सभी के यहाँ अलग अलग फीते से लंबाई मापी जाती है, तो क्या होगा, आप इसमें एक लड़ाई झगड़े का काम बना रहता है। इसीलिए एक कॉमन संख्या लेने के लिए 1960 में मात्रा एवं भार पर संपन्न सामान कॉन्फ्रेंस में SI पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि सभी पांचों गांव के लिए एक कॉमन लंबाई या मात्रा या भार का मापने के लिए एक पद्धति बना दी गई है, उसे ही आप लोग SI पद्धति कहते हैं। SI पद्धति में सात मूल इकाइयां, दो सहायक इकाइयां और 20 आपकी व्युत्पन्न इकाइयां हैं, इनका विवरण आगे इस प्रकार दिया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं लंबाई, लंबाई मीटर किलोग्राम सेकंड, पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। लंबाई के प्रमुख मात्रक देख लीजिए, एक पार्सेक, एक पार्सेक बराबर क्या होता है, 3.08 इंटू 10^16 मीटर, यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष। आपने देखा होगा जब हम लोगों ने भूगोल पढ़ा था तो इसका भी प्रयोग करते थे वहाँ। दूसरा, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 × 10^15 मीटर। फिर आपका एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है, 1.496 × 10^11 मीटर। एक मील बराबर 1760 गज, और 1760 गज बराबर, सॉरी, एक मील बराबर 1760 गज बराबर 5280 फिट, और इसमें 1.6 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। एक स्टेट यूट मील बराबर होता है आपका 1609 मीटर। एक फर्मी बराबर होता है 10^-15 मीटर। एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है 10^-10 मीटर। एक फैदम बराबर होता है 6 फिट, ठीक है। प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की छड़ पर 0°C पर बने दो चिन्हों के बीच की दूरी को मीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, मीटर। यह छड़ पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय मापतौल कार्यालय में रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय मापतौल कार्यालय में, ये आपकी दी गई है।
मूल इकाइयां, यहां आप देख सकते हैं। भौतिक राशियां हो गई, इनका मात्रक हो गया, और संकेत, जिस संकेत से आप लोग व्यक्त करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अधिकतर आप देखते हैं संकेतों का ही प्रयोग किया जाता है। लंबाई, इसका मात्रक होता है मीटर, इसे आप लोग एम से व्यक्त करते हैं। समय, सेकंड, एस से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान, किलोग्राम में मापते हैं, केजी। तापक्रम, केल्विन, के। प्रकाशीय तीव्रता, ज्योति, कैंडला, इसका मात्रक है, सीडी से व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा, एम्पियर, ए से व्यक्त करते हैं। पदार्थ का परिणाम, मोल, MOL से इसे व्यक्त करते हैं आप लोग। इन मात्रकों को याद रखना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कई बार पूछ लेगा समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। इस तरह से वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। सहायक पूरक इकाइयों की बात करें तो समतल कोण, इसका मात्रक है रेडियन, और रेड RAD इससे व्यक्त करते हैं। ठोस कोण, स्टेरिडियम, SRC से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग समय। जितने समय में एक CGM परमाणु 9, 19, 26, 31, 717 बार कंपन करता है, वह समय एक सेकंड कहलाता है, समझ रहे हैं। समय के प्रमुख मात्रकों की बात करें तो आपने देखा होगा, एक मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड। एक घंटा 60 मिनट को मिलाकर एक घंटा बनता है। एक घंटा बराबर कितना होता है, 3600 सेकंड होते हैं एक घंटे में। 24 घंटे में कितना होता है, 86,400 सेकंड होते हैं। एक वर्ष में कितना समय होता है, 365 दिन को मिलाकर आपका एक वर्ष बनता है, यानी कि तीन सेकंडों में अगर हम लोग 365 यानी कि एक वर्ष को अगर विभाजित करें तो 3.16 × 10^7 यानी कि 10^7 सेकंड होता है, ठीक है। 3.16 × 10^7 सेकंड। समय के अन्य मात्रकों की बात करें तो इसमें आप देखते रहते हैं, 1 मिली सेकंड, 10^-3 सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड, 10^-6 सेकंड, 1 नैनो सेकंड, 10^-9 सेकंड, 1 पिको सेकंड, 10^-12 सेकंड। इनका हमारे यहाँ कोई महत्व नहीं रहता है, हम लोग इनका कोई महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन वैज्ञानिक क्षेत्र में इनका बहुत महत्व होता है, याद रखिए। फिर आता है आपका द्रव्यमान। आरंभ में 1 किलोग्राम को 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 क्यूबिक डेसीमीटर 0.001 घन मीटर पानी की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता था। इसका SI मात्रक किलोग्राम है। द्रव्यमान को आप किससे मापते हैं, किलोग्राम से, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान के संदर्भ में परमाणु द्रव्यमान इकाई का प्रयोग किया जाता है। द्रव्यमान के प्रमुख मात्रक हैं, क्या है, मात्रक हैं, 1 किलोग्राम बराबर आपकी 1000 ग्राम होता है। एक सिलग मतलब 14.59 किलोग्राम। 1 स्टोन बराबर 14.50 किलोग्राम। 1 ग्रैंड बराबर 7.776 ग्राम। 1 एटॉमिक द्रव्यमान मात्रक बराबर होता है आपका 1.6 × 10^-27 किलोग्राम। 1 क्विंटल 100 किलोग्राम से मिलाकर आपका 1 क्विंटल बनता है। 1 पाउंड ये आपका 453.59 ग्राम होता है। द्रव्यमान के अन्य मात्रकों की बात करें तो 1 ग्राम बराबर 10^-3 किलोग्राम। 1 डेसीग्राम बराबर 10^-4 किलोग्राम। 1 सेंटीग्राम बराबर 10^-5 किलोग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर 10^-6 किलोग्राम। 1 क्विंटल बराबर 10^-2 किलोग्राम। 1 मैट्रिक टन बराबर 10^-3 किलोग्राम होता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग तापमान पर, केल्विन। इसे जल के त्रिक बिंदु पर ऊष्मा गति की है तापमान का 1/273 × 0.16 यानी कि 1/273.16 विभाग द्वारा परिभाषित किया जाता है, किसे, केल्विन को। फिर आपका है कैंडला, यह प्रकाश तीव्रता का मात्रक है, ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन बन चुका है। प्रकाशीय तीव्रता का मात्रक क्या है, CD यानी कि कैंडला। एम्पियर, जब किसी चालक में एक सेकंड में 6
6×10^18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो बढ़ने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। कितना? 1 एम्पियर मोल। कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणुओं में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को 1 मोल कहा जाता है, 1 मोल कहा जाता है। अब बात करते हैं व्युत्पन्न इकाइयां। अन्य इकाइयां जो मोल इकाइयों के बीजगणित द्वारा प्राप्त होती हैं व्युत्पन्न इकाइयां कहलाती हैं। यानी कि कहने का मतलब सीधा सा है कि जो मूल आपकी इकाइयां हैं उनसे उत्पन्न होने वाली इकाइयों को क्या कह देते हैं? व्युत्पन्न, यानी कि उनसे उत्पन्न इकाइयां। ये आपकी भौतिक राशि हो गई, परिभाषित सूत्र हो गया इसका, और SI मात्रक हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई, इसे m² से व्यक्त करते हैं SI मात्रा, मीटर स्क्वायर। घनत्व मात्रा अपॉन आयतन, इसे kg m³-3 से व्यक्त करते हैं, SI मात्रक कह लीजिए। आयरन आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, m³³ से व्यक्त करते हैं। त्वरण भी ले सकते हैं आप लोग, वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल, ms·2 में। गति या चाल, विस्थापित अपॉन समय अंतराल, ms−1 में। बल मात्रा एवं त्वरण, kg·(ms·2)² − 2 न्यूटन से भी इसे व्यक्त करते हैं। दबाव को आपको बल अपॉन क्षेत्रफल, इसे आप लोग पास्कल से भी व्यक्त करते हैं, यानी कि इसका मात्रक कह लीजिए आप लोग, n कैपिटल में और m से इसे व्यक्त कर देते हैं आप लोग। ठीक है, n·(m·2)। ऊर्जा कार्य, इसे बल इंटू दूरी, n कैपिटल में है और m या फिर जूल से व्यक्त करते हैं। शक्ति को ऊर्जा अपॉन समय, कार्य करने की दर जूल प्रति सेकंड या फिर वाट। आवृत्ति कंपन प्रति सेकंड हर्ट्ज में से इसका मात्रक कह लीजिए। आवेग बल इंटू समय अंतराल, किलोग्राम प्रति सेकंड के से मात्रक है। संवेग द्रव्यमान इंटू वेग, किलोग्राम प्रति सेकंड। कोणीय वेग कोण प्रति यानी कि प्रति समय, रेडियन या फिर सेकंड में। पृष्ठ तनाव बल समय, n प्रति m। विद्युत आवेश कोलाम, c विभांतर वोल्ट, प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध ओम। इन चिन्हों को याद रखिए, विद्युत धारिता फैराडे, विद्युत घनत्व लक्स, प्रकाश तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रम। ठीक है, ओम इस तरह से बनता है। अब लंबाई के कुछ अन्य मात्रक हैं, इन्हें भी याद रख सकते हैं। ये मात्रक हो गए, प्रतीक हो गए लंबाई। एक एक्सामीटर, इसे ई से व्यक्त कहते हैं, लंबाई 10^-मीटर में है। ठीक है, 10^-18, सॉरी 10^-18 नहीं है। एक पेट्रामीटर, पी इसका प्रतीक है, 10^15। एक टेरामीटर, टी इसका मात्रक प्रतीक है, 10^12। एक गीगामीटर, जी इसका मात्रक है, 10^9। एक मेगामीटर, एम से व्यक्त करते हैं, 10^6। एक मेरियामीटर, MI से व्यक्त करते हैं, 10^4। एक किलोमीटर, इसे आप लोग के से व्यक्त करते हैं, 10^3। एक हेक्टोमीटर, H से व्यक्त करते हैं, 10^2। एक डेकामीटर, DA, 10^1। मात्रक प्रतीक लंबाई, एक डेसीमीटर, डी से व्यक्त करते हैं, 10^-1 मीटर में। एक सेंटीमीटर, सी से व्यक्त करते हैं, 10^-2। एक मिलीमीटर, एम से व्यक्त करते हैं, 10^-3। एक माइक्रोमीटर, एक माइक्रो इसे आप लोग इस तरह से व्यक्त करते हैं, 10^-6। कितना? 10^-6। एक नैनोमीटर, n, 10^-9। एक पिकोमीटर, पी से 10^12। एक फैक्टो या फर्मी, एफ से 10^-15।
एक एट्रो ए से व्यक्त करते हैं स्मॉल 10^-18, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण मात्रक है ये आपकी, इन्हें एक तरह से रट लेना आप। समृद्ध भौतिकी राशि, भौतिक राशि, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, ओम विद्युत प्रतिरोध का, मेओ विद्युत चालकता का, कैलोरी ऊष्मा का, कूलम विद्युत आवेश का, सेंटीग्रेड तापमान का, केल्विन तापमान का, सेंटीमीटर दूरी का, क्यूरी रेडियो विखंडन का। सीधा सा मतलब लीजिए आप, अगर तापमान का मात्रक आ रहा है, तापमान का अगर मात्रक पूछ रहा है तो आप तापमान काहे से मापेंगे, अगर मीटर का यानी कि दूरी का मात्रक पूछ रहा है तो आप काहे से मापेंगे, या तो किलोमीटर या सेंटीमीटर। आप तापमान किससे मापेंगे, सेंटीग्रेड केल्विन। ऐसा तो नहीं है कि तापमान को आप किलोग्राम से मापने लगें या फिर मीटर से मापने लगें। तो इस कॉमन सेंस होता है, तो इस तरह के कॉमन सेंस भी लगा लीजिए, लिया करिए, कभी क्वेश्चन आ जाते हैं और आपसे गलत हो जाते हैं। क्यूरी को रेडियो विखंडन, रदरफोर्ड रेडियो विखंडन, डेसिबल ध्वनि तीव्रता, डायोप्टर लेंस की शक्ति, डायन जल बल, डायन को बल से, ये आपका कई बार पूछ लिया गया डायोप्टर का, अर्क ऊर्जा, जूल ऊर्जा, 1 J = 10^7 अर्क होता है, ठीक है, न्यूटन बल, 1 N = 10^5 डायन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाभिकीय ऊर्जा, फैराडे विद्युत धारिता, फर्मी नाभिक की लंबाई, ग्राम मात्रा, ग्राम भार बल का चुंबकीय मात्रक है, गैलन आयतन का, गोस चुंबकीय प्रेरण, हेनरी प्रेरकत्व, वेबर मैक्स वेल चुंबकीय फ्लक्स का, ओरेस्टेड चुंबकीय तीव्रता, वाट शक्ति, वोल्ट वैभव एवं विभांतर, किलोवाट शक्ति, हर्ट्ज आवृत्ति, अश्व शक्ति शक्ति, मैक्सवेल चुंबकीय प्रेरण, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र, वाट घंटा विद्युत ऊर्जा का, किलोवाट विद्युत ऊर्जा का। अब आप समझते हैं विद्युत ऊर्जा को आप कहते हैं इतने वाट का CFL दे दीजिए, इतने वाट का ये दे दीजिए, इतने वाट का है, तो आप इतने कॉमन सेंस भी रखा करिएगा। न्यूमैन ज्योति फिलिस फिलक्स, लक्स विदीप्त घनत्व, फोटोन प्रकाश की तीव्रता, कैंडला ज्योतीय तीव्रता, पास्कल दाब, बार दाब, 1 bar = 10^5 पास्कल, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, स्टॉप काइनेटिक विस्कोसिटी, प्रायज श्यांता, लैम्बर्ट दीप्त, पौंड मात्रा, डाब्सन ओजोन परत की मोटाई। ये भी क्वेश्चन आपका एक बार नहीं कई बार बन चुका है कि ओजोन की परत की मोटाई को किससे मापते हैं, तो ये आपका क्या है, डाब्सन, ठीक है। ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, हानिकारक किरणें जो आती हैं सूर्य से उन्हें रोक लेता है। मोह कठोरता, कैंडल पावर प्रदीपन तीव्रता का, फुट कैंडल प्रदीपन तीव्रता, नोट समुद्री चाल, फैदम समुद्री गहराई, इससे मापी जाती है फैदम से, एम्पियर घंटा सेलों की धारिता, किसकी, सेलों की धारिता, सेमेंस विद्युत चालकता, बैरल आयतन, केबल समुद्री गहराई, रीम कागज की माप, फ्रेंटन जलयानों द्वारा लदाई के सामान की माप इकाई, रोंटजन एक्स किरण से उत्पन्न विकिरण की मात्रा, होस गीड शराब की मात्रा, क्यूसेक द्रवों का प्रवाह, मैक संख्या वायु यान की चाल ध्वनि की अपेक्षा, ग्रॉस 12 दर्जन, क्यूबिट दूरी 1 क्यूबिट = 18 इंच होता है, हैंड घोड़े की ऊंचाई, विड्स कंप्यूटर की याददाश्त, एकड़ भूमि की माप, किसकी, भूमि की माप, लीग दूरी 1 लीग = 3 मील,
नॉटिकल मील समुद्री दूरी। डेवाई आणविक स्थिरांक कूलम मीटर द्वि ध्रुव आघूर्ण के लिए। एम्पियर मीटर चुंबकीय ध्रुव शक्ति। एम्पियर मीटर स्क्वायर बराबर चुंबकीय बल आघूर्ण। ठीक है, उसके बाद है बीमा। यह मात्रक को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करती है। इसमें आपके संकेताक्षरों MLT के प्रयोग से मात्रकों को जाना जाता है, जहां M का मात्रा और L लंबाई के लिए, T समय के लिए व्यक्त यानी कि मात्रक। M जहां मात्रा के लिए और L आपका लंबाई के लिए, और T ये आपका एक चिन्ह रहता है, ठीक है, जिससे व्यक्त किया जाता है ना समय को T से। कुछ सामान्य भौतिक राशियों की बीमाएं हैं। भौतिक राशि हो गई, SI मात्रक हो गया बीमाएं। क्षेत्रफल एम स्क्वायर स्मॉल में, एल स्क्वायर इसकी बीमाएं। आयतन एम क्यू एल क्यू। घनत्व के जी एम की पावर -3 और एम एल -3। चाल में एम एस -1 पावर में, एल टी माइ टी पावर -1। वेग एम एस पावर -1 है, एस की पावर -1। एल टी की पावर -1 बल के जी एम एस की पावर -1। इसी तरह एम टी एम एल टी की पावर -1 होता है। टू त्वरण को एम एस की पावर -2 एल टी की पावर -2। दाब को कैपिटल एन एम की पावर -2 और एल एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2 इस तरह से व्यक्त करते हैं। फिर आपका गति के नियम है क्या है, इनसे आपका क्वेश्चन से बनता रहता है, लॉ ऑफ मोशन। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। कितने? दो प्रकार की। अदिश राशियां, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, हम लोग अदिश राशियां कहते हैं। किसकी? सीधा सा मतलब है, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है आपका? आपने देखा है लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, चाल, घनत्व, दाब, कार्य, शक्ति, कोण, ताप, विद्युत धारा, विद्युत विभव आदि। सदिश राशियों की बात करें हम लोग, तो जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग सदिश राशियां। जिन्हें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वे अदिश राशियां हैं, और जिन्हें दिशा की दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां। विस्थापन वेग, त्वरण बल, संवेग बल, आघूर्ण, आवेग भार, विद्युत क्षेत्र आदि भी सदिश राशियां हैं। ऑप्शन में दे देगा आपको चार, तीन अदिश राशियां, एक सदिश राशि, और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सदिश राशि है, तो आपको बताना पड़े। इस तरह से आप याद रखिए, कोई वस्तु जब समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन को हम लोग गति कहते हैं। क्या? गति। गति के प्रकार रेखीय गति। कैसी? रेखीय गति। यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है अथवा गति करती है, तो उसे हम लोग रेखीय गति कहते हैं। जैसे चलती हुई कार पेड़ से गिरना। आपसे पूछ लेगा कि रेखीय गति का उदाहरण बताइए, तो चलती हुई कार यानी कि सीधी रेखा में चल रही, पेड़ से गिरता हुआ फल। इस तरह से आप सोचिए कि फल ऐसा नहीं जाएगा कि ऊपर चला जाए, फल एक सीधी रेखा में जाता है ना। फिर आपकी अनियमित गति, यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है, तो यह गति वस्तु की या गति वस्तु की अनियमित गति कहती है। जैसे फूलों पर मंडराने वाली तितलियों की गति आपने देखी होगी, देखते हैं आप लोग, हमेशा बदलती रहती है उनकी गति। फिर आपका कंपन गति। एक कंपन गति क्या है? यदि कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग के किसी नियत बिंदु के इधर उधर अथवा ऊपर नीचे गति करती है, तो यह गति वस्तु की कंपन गति कहलाती है। जैसे सरलोलक गति, झूले की गति इत्यादि। वित्तीय गति, यदि कोई गतिमान वस्तु वित्तीय पथ पर घूमती है, तो यह गति वस्तु की वित्तीय गति कहलाती है। जैसे लट्टू की गति पृथ्वी की गति। किसकी? लट्टू की गति पृथ्वी की गति।
लट्टू तो आपने देखा होगा, घुमाते रहते थे आप लोग। एक समान वित्तीय गति, जब कोई वस्तु वित्तीय पथ पर समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति एक समान वित्तीय गति कहलाती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। किसके? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। फिर आपकी चाल, स्पीड, किसी वस्तु द्वारा एकांत समय अंतराल में चली गई दूरी को समय वस्तु की चाल कहते हैं। आप अपनी गाड़ी की सुनते रहते हैं ना कि कितनी स्पीड है, 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है, समझ रहे हैं? तो उसी की बात कर रहा हूँ। यह अदिश राशि है, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, अतः वस्तु की चाल एस बराबर डी अपॉन टी मीटर, जहाँ एस आपका चाल है, डी आपकी दूरी है और टी समय। ये दूरी कितने समय में तय की गई, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या होगा? अब आपने देखा होगा दूरी कितने घंटे, आपने 100 किलोमीटर आपने दूरी तय की है, उसके बाद समय कितना लगा है, तो आप समझ लीजिए 10 घंटे आपको लगे हैं। ठीक है, कितने? 10 घंटे, सॉरी। तो इसे आप लोग 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड, प्रति किलो 10 किलोमीटर प्रति घंटे चली आपकी गाड़ी। ठीक है, चाल के प्रकार, एक समान चाल, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। असमान चाल, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसे वस्तु की असमान चाल कहते हैं। औसत चाल, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। तत्कालिक चाल, किसी निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर गतिमान वस्तु की चाल को तत्कालिक चाल कहते हैं। वेग, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। यह आपकी सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, अदिश या सदिश? ये सदिश राशि है। ठीक है, वेग को आप लोग भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक है SI में, मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, एम प्रति एस, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। अब बात करते हैं वेग के प्रकार, यानी कि कितने टाइप के वेग होते हैं। एक समान वेग, यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। असमान वेग, यदि कोई गतिमान वस्तु निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है। फिर औसत वेग, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए कुल विस्थापन तथा विस्थापन तय करने में लगे कुल समय का अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता है। तत्कालिक वेग, किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन तथा सूक्ष्म समय अंतराल के अनुपात को वस्तु का तत्कालिक वेग कहते हैं। सापेक्ष वेग, जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न से वेग से गतिमान होती हैं तो वस्तु के सापेक्ष दूरी वस्तु के वेग को सापेक्ष वेग कहते हैं। निरपेक्ष वेग, यदि वस्तुओं में एक वस्तु स्थिर है तथा दूसरी वस्तु आपकी गति गतिमान है, यानी कि चल रही है, तो दूसरी वस्तु का वेग निरपेक्ष वेग कहलाता है। आगे चलते हैं त्वरण, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग निरंतर बढ़ रहा है तो उसकी गति त्वरित गति कहलाती है। समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहलाता है। समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है? सदिश। इसे एक से व्यक्त करते हैं, किससे? ए से। ठीक है, ये चिन्ह भी ऊपर है तीर का। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अतः किस तरह निकालेंगे त्वरण को? वेग परिवर्तन अपॉन समय, या फिर इसे इस तरह से सूत्र लिख सकते हैं, ए बराबर
त्वरण हो गया, और वी माइनस यू या त्वरण ए हो गया, बी हो गया, यू हो गया आपका प्रारंभिक वेग, और बी आपका अंतिम सम वेग, और टी आपका समय हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं त्वरण के प्रकार। एक समान त्वरण, यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान वेग परिवर्तन हो रहा हो तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। जैसे स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु में त्वरण एक समान होता है। असमान त्वरण, यदि वस्तु के वेग में परिवर्तन एक समान समय अंतरालों के लिए भिन्न भिन्न हो तो वस्तु का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। प्राय आपका धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण, किसी वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा हो तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ घट रहा हो तो वस्तु का त्वरण ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। जड़त्व, जड़त्व का नियम सुनते रहते हैं आप लोग। वस्तुओं में अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विरोध का गुण होता है। इस गुण को वस्तु का जड़त कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण। पिंड का जड़त इसके द्रव्यमान के अनुक्रमापत्ति होता है। विराम का जड़त, विराम का जड़त, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। आप समझ रहे हैं? कोई आप ठीक है, जहाँ हवा ना जा रही हो, बिल्कुल हवा नहीं, बिल्कुल बंद, कोई बल ना लगाया जा रहा, वहाँ एक आप पेन को इस तरह से रस्सी पर यहाँ लटका दीजिए या पत्थर को लटका दीजिए, तो याद रखिए आप जहाँ लटकाएं वो वहीं लटका रहेगा हमेशा जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? यही है विराम का जड़त नियम। गति का नियम, किसका? गति का नियम, यदि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो उसी प्रकार की एक समान गति करती रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। और यहाँ आप समझिए कि जहाँ आपने अगर इसे गति भी दे दिया बिना, तो इसे जब तक कोई हवा या कोई भी ना रोके तब तक वो नहीं रोकेगी। आप समझिए कि आप अगर झूला पर झूल रहे हैं, इस पर बाह्य यानी कि हवा का बल ना लगे तो आप कभी रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। एक बार झूला देंगे आप, सालों तक आप झूलते रह जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं न्यूटन के गति के नियम देखते हैं। किसके? न्यूटन साहब के गति के नियम। न्यूटन का गति का बेसिक प्रथम नियम देखते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, बनी रहेगी। यदि वह एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, या फिर गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, परिभाषा मुश्किल से पूछेगा, कहीं पूछेगा तो, लेकिन आपसे इस तरह से पूछेगा। न्यूटन के प्रथम नियम को एक अन्य नाम है दो, किस नाम से जानते हैं? जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम। उदाहरण के लिए आप लोग गिलास पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने से पर उस पर रखा गिलास सिक्का गिलास में रख जाता है, यानी कि ये गिलास है। ठीक है, कम है, इस पर आपने एक गत्ता रखा हुआ है यानी कि किताब रखी हुई है, उस पर आपने सिक्का, किताब को एकाएक आप खींच देंगे तो सिक्का अपनी गति नहीं बदलेगा, वो जाके नीचे गिर जाएगा, किसमें? गिलास में। समझ रहे हैं आप लोग? प्रारंभ में गत्ता तथा सिक्का दोनों विराम अवस्था में थे। गत्ते को क्षैतिज दिशा में अंगुली से तीव्रता से धक्का देने पर उसमें गति उत्पन्न हुई, और जबकि सिक्का जड़त्व के कारण उसी स्थान पर बना रहा और नीचे चला गया। गत्ता हटकर आगे बढ़ा तथा सिक्का गिलास में जाकर गिर जाता है। चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये भी आपके प्रथम गति का प्रथम का नियम, न्यूटन के प्रथम नियम का ही उदाहरण है। गाड़ी के अचानक रुकने पर उसका फर्श तथा उस पर रखे हुए यात्रियों के पैर तो विराम अवस्था में आ जाते हैं, परंतु उनके शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण उसी वेग से आगे की ओर चलने का प्रयास करता है, अतः यात्री आगे की ओर झुक जाता है। बस अथवा रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। आपने देखा होगा इसे तो। यात्री के शरीर का निचला भाग तो गाड़ी के संपर्क में होने के कारण गाड़ी के चलने पर तुरंत गति में आ जाता है, परंतु उसका ऊपरी भाग विराम जड़त के कारण विरामावस्था में ही बना रहता है।
इस कारण बस यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है। चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर गाड़ी यात्री गिर पड़ता है। जब यात्री अचानक चलती हुई गाड़ी से उतरता है तो उसके पैर तो जमीन के संपर्क में आते ही भ्रम अवस्था में आ जाते हैं, परंतु शरीर का ऊपरी भाग उसी वेग से चलता रहता है, अतः गाड़ी के चलने की दिशा में गिर पड़ता है व्यक्ति। एक बात आप याद हमेशा रखिए, आपसे सलाह दी जाती है आपको कि जब भी आप ट्रेन से चलती हुई ट्रेन से उतर रहे हैं तो जिस दिशा में ट्रेन जा रही हो उसी दिशा में आप लोग भागते जाइए, मतलब उतर के ऐसे भागते जाइए, आप रुकिएगा मत वरना आप गिर जाएंगे, ठीक है? याद रखिए, रुकने की आप कोशिश करेंगे तुरंत गिर जाएंगे। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को तेजी से जमीन पर मारते हैं। हत्थे को जमीन पर मारने के लिए तेजी से नीचे की ओर लाते हैं तो हथौड़ा तथा हत्था दोनों गति की अवस्था में होते हैं। हत्थे का सिरा जमीन पर लगते ही भ्रामावस्था में आ जाता है, जबकि हथौड़ा जड़त के कारण गति की अवस्था में रहता है, अतः हथौड़ा नीचे आकर हत्थे में फंस जाता है यानी कि कस जाता है। अब चलते हैं हम लोग न्यूटन की गति, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F, उस वस्तु के द्रव्यमान M, उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इस तरह से F बराबर M इंटू A, अर्थात किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस पर बल कार्य करता है, जिस दिशा में बल कार्य करता है। बल बराबर आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। इसमें आप ले सकते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम में क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है, आप समझिए अगर वो पीछे की ओर ना खींचे तो उसे तगड़े से चोट भी पहुंच सकती है। यदि खिलाड़ी अपने हाथ को स्थिर रखकर गेंद पकड़ता तो गेंद को रोकने में बहुत कम समय लगता है, जिससे वेग परिवर्तन की दर अधिक हो जाती और खिलाड़ी की हथेली गेंद रोकने के अधिक बल लगाना होता है, जिसमें खिलाड़ी की हथेली में चोट भी लग सकती। इसलिए क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ जो होते हैं उन्हें पीछे की ओर खींचता है। बंदूक से निकली हुई गोली में शरीर में घुस जाती है, बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है कैसे, ये भी आपकी गति के दूसरे नियम का उदाहरण है। बंदूक से निकली गोली का वेग बहुत अधिक होता है तथा शरीर से टकराने पर बहुत कम समय में ही सुन्न हो जाता है, चूंकि गोली में वेग परिवर्तन की दर ए और बल बहुत अधिक होता है, अतः इसके परिणाम स्वरूप गोली शरीर में चली जाती है। फिर आपने देखा होगा न्यूटन के गति का तृतीय नियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, अपनी ज़िंदगी में भी इसे आप लोग लागू कर सकते हैं कि आप जितनी मेहनत करेंगे उसी के हिसाब से आपको परिणाम मिलेगा। प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर और परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी कि आप गेंद अगर मारें दीवार पर तो आपके भी उसी मतलब उसी बल के साथ वापस आ गए। न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, याद रखिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं इसे। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को धक्का लगता है, क्या लगता है, धक्का लगता है। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली क्रिया बल के कारण आगे की ओर बढ़ती है, परंतु गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में इतना ही प्रतिक्रिया बल लगाती है, अतः बंदूक एवं स्वयं पीछे की ओर भागती है तथा बंदूक चलाते वाले व्यक्ति पीछे की ओर धक्का लगता है। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाती है, इसे भी आप लोगों ने अपने दैनिक दिनचर्या में देखा होगा। जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो वह अपने पैरों से बल लगाकर नाव को पीछे की ओर धकेल देता है, इस क्रिया बल के कारण नाव पीछे की ओर हट जाती है। नाव द्वारा बराबर और विपरीत बल मनुष्य पर आगे की ओर लगता है जिससे वह किनारे पर कूद जाता है। संवेग मोमेंटम, किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, इसे आप लोग पी से व्यक्त प्रदर्शित करते हैं। संवेग एक सदिश राशि है, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि द्रव्यमान और वेग को गुणा करके आप संवेग निकाल सकते हैं। यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है, इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का
नियम भी कहते हैं आप लोग। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है इस पर भी बात कर लेते हैं। संवेग संरक्षण के नियमानुसार एक ही या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय का संवेग तब तक अपरिवर्तित रहता है जब तक कि वस्तु या फिर वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो वह अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ती है जिससे गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न होता है। गोली भी बंदूक की को प्रतिक्रिया बल के कारण पीछे की ओर धकेलती है। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली से अधिक होता है अतः बंदूक के पीछे हटने का वेग गोली की वेग से बहुत कम होता है। आप समझिए अगर बंदूक के पीछे हटने का वेग गोली के वेग से अधिक होता होता तो सामने वाले को कम हानि पहुंचती चोट, आपको ज़्यादा चोट पहुंचती, लेकिन कम होने के कारण आपको कम नुकसान होता है और जिस पर गोली चल रही होती है उसका खात्मा हो जाता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग के संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। ये आपके आपसे डायरेक्ट इनकी परिभाषा नहीं पूछेगा, आपसे उदाहरण पूछ सकता है, ठीक है। पूछ लेगा कि रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत किस पर आधारित है, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। फिर आप सुनते हैं कोणीय संवेग। घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड के कोणीय वेग तथा जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को पिंड का कोणीय वेग कहा जाता है। यदि घूर्णन करने वाला करने करते पिंड का कोई कोण W हो यानी कि जड़त्व आघूर्ण I हो तो कोणीय संवेग I, W कोणीय वेग है और जड़त्व आघूर्ण को W से व्यक्त करते हैं, ठीक है। W की तरह चिन्ह है। बल आघूर्ण, याद रखिए इस तरह की अगर आपको पर्टिकुलर याद नाम याद हुआ करेंगे चिन्ह के तो आप नीचे लिख दिया करिएगा, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है, कुछ चिन्ह का पता है और कुछ चिन्ह का मुझे पता नहीं रहता है। देखिए साफ सी बात है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर F इंटू D या एक सदस्य राशि, इसका मात्रक न्यूटन मीटर में होता है। साधारण तुला दैनिक दैनिक जीवन में आघूर्ण नियम के प्रायोगिक उपयोग का उदाहरण है। घर्षण, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है या लुढ़कती है या फिर चलने की चेष्टा करती है तब स्पर्श की सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है जो गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसके कारण हम सीधा खड़ा हो सकते हैं, जमीन पर चल भी सक पाते हैं। सड़क पर घर्षण ना हो तो गाड़ी के पहिए फिसलेंगे, क्या वो आप समझिए कि अगर ट्रैक्टर में आपने देखा होगा ट्रैक्टर पर ज़्यादा जुताई जुताई जब होती है खेत की जुताई की जाती है तो उस पर ज़्यादा बल लगता है। अगर उसकी रबड़ें आपने बड़े टायरों की देखी होंगी उसमें गड्ढे रहते हैं, अगर वो गड्ढे ना रहें तो जुताई नहीं कर सकते आप लोग, इस तरह से फिसलते रहेंगे। आप सोचिए कि ट्रक या जो आपके टायर हैं बाइक के या फिर आप सोच सकते हैं कि कार के टायर हैं उसे ट्रैक्टर में लगा कर आप जुताई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। वो इस तरह से गोल गोल घूमने लगेंगे, जहाँ आप जोतना प्रारंभ करेंगे इस तरह से घूमने लगेंगे तो आप जुताई नहीं कर सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि टायरों में गड्ढे टाइप के होते हैं चलने के लिए, अगर वो ना हो तो घूमते ही रहे आगे बढ़े ही ना। अगर सड़क पर घर्षण ना हो तो गाड़ी के पहिए फिसलेंगे, परंतु घर्षण के कारण मशीनों में अधिक ऊर्जा व्यय होती है तथा गाड़ियों के पहिए घिस भी जाते हैं। घर्षण बल का ही परिणाम है कि आपकी गाड़ी के टायर घिस जाते हैं, ठीक है। घर्षण गुणांक, दो वस्तुओं के तलों के बीच में सीमांत घर्षण F और अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुपात को दोनों तलों के बीच घर्षण गुणांक कहते हैं, ठीक है। इसे इस तरह से व्यक्त करते हैं सूत्र। घर्षण कोण वह कोण है जो सीमांत घर्षण F और अभिलंब प्रतिक्रिया R का परिमाणी अभिलंब के साथ बनता है, इसे इस सूत्र के साथ व्यक्त करते हैं। आवेग, बल तथा बल एवं उसके कार्य करने के समय के गुणन फल को आवेग कहते हैं, आवेग F इंटू T। यह एक सदिश राशि, इसका मान संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण, घर्षण देख लिया, गुरुत्वाकर्षण जिस बल के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को उस वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्व बल कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण गिरती हुई वस्तु
के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यह पृथ्वी के द्रव्यमान एवं केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण, मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को प्रदर्शित करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। भूमध्य रेखा पर इसका मान सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक देखा जाता है इसका मान। पृथ्वी का गुरुत्व बल, पृथ्वी का गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है गुरुत्व जनित त्वरण यानी कि जी कहते हैं। इसका मान होता है 9.8 एम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग आगे। जी के परिवर्तन यानी कि गुरुत्व के मान में परिवर्तन, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्व जी का मान घटता बढ़ता है। क्या होता है? घटता बढ़ता है। त्वरण का मान घटता है या बढ़ता है। पृथ्वी से नीचे जाइए सतह से या फिर ऊपर जाइए, आप लोग त्वरण का मान घटते हुए देखेंगे। त्वरण का मान यानी कि जी का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किस पर? ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है। यानी कि आपसे कई बार पूछ भी सकते हैं कि गुरुत्व का बल का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पृथ्वी के ध्रुवों पर। जी का मान न्यूनतम विषमत रेखा पर होता है। न्यूनतम कहाँ होता है? विषमत रेखा पर। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान यानी कि त्वरण का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, अतः किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है लेकिन द्रव्यमान नियत रहता है। आपसे समझिए कि आपसे अगर दो तीन पॉइंट दिए देंगे तो सिविल सर्विस में किस तरह से पूछेगा कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, फिर दूसरा कथन दे देगा, तीसरा कथन दे देगा, चौथा कथन, नीचे एक दो तीन विकल्प दे देगा, चार। और अगर आपसे डायरेक्ट पूछेगा वनडे एग्जाम में तो पूछ लेगा कि पृथ्वी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पृथ्वी के ध्रुवों पर। ठीक है, इस तरह से गुरुत्व का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पृथ्वी के ध्रुवों पर। किसी वस्तु के बाहर पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है लेकिन द्रव्यमान नियत रहता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। यह वृद्धि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों पर सबसे कम शून्य होती है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों पर सबसे कम होती है। भार, जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उस बल को वस्तु का भार कहते हैं। इसे प्रयास W से निरूपित किया जाता है। भार का एसआई पद्धति में मात्रक है न्यूटन। भार एक सदिश राशि है। आपसे पूछ सकता है कि इसका एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। भार कैसी राशि है? सदिश या दिश? तो सदिश राशि है। भारहीनता, भारहीनता वह स्थिति है जब वस्तु को अपना भार नगण्य प्रतीत होता है। यह निम्नलिखित तीन परिस्थितियों में होता है। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे व्यक्ति उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है। लिफ्ट टूटने पर नीचे की ओर गिरा बहती है। लिफ्ट टूटने पर, वैसे टूटे ना तो अच्छा है, टूटने पर नीचे की ओर गिरा व्यक्ति भी भारहीनता का उदाहरण है। पृथ्वी के केंद्र पर बैठा व्यक्ति भी भारहीनता का उदाहरण है। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा उपग्रह पृथ्वी पर अभिकेंद्र बल लगाता है जो कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने से उत्पन्न अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। साथ ही दोनों बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं जिसे परिणामी आकर्षण बल का मान शून्य हो जाता है। अभिकेंद्रीय बल, ये भी आपके दिनचर्या में देखते रहते हैं शब्द, अभिकेंद्रीय बल। एक समान वित्तीय गति में जो बल केंद्र की ओर कार्य करता है अभिकेंद्र बल कहलाता है। यह वास्तविक बल होता है। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। उदाहरण के लिए ले सकते हैं आप लोग, जब हम एक पत्थर के टुकड़े को डोरी के एक सिरे से बांधकर घुमाते हैं तो हमें डोरी पर तनाव लगाना पड़ता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार का झुकना भी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक है, इनसे ज़्यादातर आपके उदाहरण ही पूछे जाते हैं। फिर आपका अपकेंद्र बल, इसका परिमाण अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। इसकी दिशा केंद्र से दूर होती है। अभिकेंद्र बल
एवं अपकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य। अपकेंद्र के उदाहरण देख सकते हैं, सर्कस में मौत के कुएं का खेल, कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन। याद रखना, जो सर्कस में मौत के कुएं का खेल होता है वो अपकेंद्र बल का उदाहरण है। लिफ्ट और भार। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पतित भार वास्तविक भार से अधिक, यदि नीचे की ओर जाती है तो कम, या फिर यदि स्थिर रहता है तो वास्तविक भार के बराबर होता है। अब बात करते हैं गुरुत्वाकेंद्र, गुरुत्वाकेंद्र एवं संतुलन। किसी वस्तु का गुरुत्वाकेंद्र वह बिंदु है जहां उस वस्तु का किसी विशेष स्थिति में भार केंद्रित हो अथवा कार्य करता हो। किसी वस्तु के निश्चित आकार एवं आकृति के लिए नियत रहता है। संतुलन के लिए आवश्यक है कि किसी वस्तु के गुरुत्वाकेंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उस वस्तु के आधार के क्षेत्रफल के अंदर से गुजरे। यदि वह रेखा वस्तु के आधार के क्षेत्रफल से बाहर हो जाती है तो वस्तु का संतुलन बिगड़ जाता है, वह गिर जाती है। इटली में पीसा की मीनार आपने देखी हुई, इसके झुके रहने के बावजूद इसलिए नहीं गिर रही है कि इसके गुरुत्वाकेंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार से होकर जाती है। समझ रहे हैं? यही कारण है कि इटली में पीसा की मीनार खड़ी हुई है, झुके रहने के बावजूद नीचे नहीं गिर रही है। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है ताकि उसके गुरुत्वाकेंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके पैरों के नीचे से होकर जाए, उसका संतुलन बना रहे। डबल डेकर बस में निचली मंजिल अधिक भारी बनाई जाती है और अधिक संख्या में यात्रियों को बिठाया जाता है ताकि बस का गुरुत्वाकेंद्र आधार के निकट रहे और उसके गुरुत्वाकेंद्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से जाए। आप समझ सकते हैं, नीचे का पूरा खाली कर दिया जाए बस, ऊपर बैठी रहे तो पलट जाएगी, वो नहीं गिर जाएगी बस। समझ गए? गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच का कार्य करने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंड इसके द्रव्यमान M1 और M2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। किस पर? r दूरी पर। न्यूटन के नियमानुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F=gm1m2/r² होता है, जहाँ g आपका नेतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक कहते हैं। इसका मान 6 × यानी कि 6.67 × 10⁻¹¹ n कैपिटल m² / kg² केपलर के नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करता है। केपलर के नियम। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग कैसा रहता है? नियत। ग्रह का परिक्रमण काल टी का वर्ग ग्रह से सूर्य की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। इस तरह से, अर्थात जो ग्रह सूर्य के निकट है उसका परिक्रमण काल कम होगा, जो ग्रह आपका सूर्य से अधिक दूरी पर होता है उसका परिक्रमण काल अधिक होता है, यानी कि चक्कर लगाने सूर्य के चक्कर वो उतना ही ज़्यादा टाइम में लगाएगा। उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे आप लोग ने देखा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा किसका? पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह का कक्षीय चाल। उपग्रह की कक्षीय चाल इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही उसकी चाल कम होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल इसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। एक ही त्रिज्या की कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल का समान होगी। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल 8 किलोमीटर/सेकंड होती है। कितनी? 8 किलोमीटर/सेकंड होती है। उपग्रह का परिक्रमण काल। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर जितने समय में लगता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं।
परिक्रमण काल इस तरह से निकाल सकते हैं, कक्षा की परिधि अपॉन कक्षीय चाल। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह जितना अधिक दूर होगा होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल भी होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किस पर? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। भूस्थायी उपग्रह, वे उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, यानी कि 24 घंटे के बराबर होता है, उन्हें हम लोग भूस्थायी उपग्रह कहलाते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यानी कि परिक्रमण करते हैं। भूतुल्यकारी कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की खोज सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने की थी। यह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इनका प्रयोग संचार एवं मौसम संबंधी जानकारियां प्राप्त करने के लिए करते हैं। एक अंतिम उपग्रह होते हैं। पलायन वेग, किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, ऐसे वेग को हम लोग पलायन वेग कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर अगर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, ठीक है, वो पलायन ही कर जाता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का अगर वेग के मान की बात करें तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर आप इतनी गति से अगर किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे नहीं आएगी। पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर सेकंड प्रति सेकंड या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी तक तल पर वापस नहीं आएगी। पलायन वेग कक्षीय वेग का आपका √2 गुना होता है, इसलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को √2 गुना यानी कि अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। सरल मशीन, या किसी सुविधाजनक बिंदु पर एक बल लगाकर किसी दिशा अथवा कार्य को संपन्न करती है, जैसे आप लोगों ने देखा है उत्तोलक, घिन्नी या फिर जैक। यह आपका उत्तोलक, एक सीधी या टेढ़ी या फिर दृढ़ छड़ी होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। इसके मुख्य 3 बिंदु होते हैं, कौन कौन से? आलंब, आयास और एक भार। उत्तोलक के अगर प्रकारों की बात करें हम लोग तो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब F, आयास E और भार W के बीच स्थित होता है। कैंची, पिलास, सिंडांसी, कील उखाड़ने की मशीन, सीस, झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपम्प, इसी के उदाहरण हैं। फिर आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब F, आयास E और E के बीच भार W होता है, जैसे सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए के कूड़ा ढोने की गाड़ी आदि। फिर तृतीय श्रेणी का उत्तोलक की अगर बात करें हम लोग तो इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब F, भार W के बीच में आयास E होता है, जैसे आपने चिमटा देखा होगा, मनुष्य का हाथ भी इसी के उदाहरण है। अब चलते हम लोग कार्य ऊर्जा शक्ति यानी कि वर्क एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्य। बल और बल के अनुपयुक्त बिंदु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को हम लोग बल के द्वारा किया गया कार्य करते हैं। इसे किस तरह से निकाल सकते हैं? कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में तय की गई दूरी। डब्लू बराबर एफ, यहाँ बल हो गया, एस इसकी बल की दिशा में तय की गई दूरी का मात्रक हो गया यानी कि प्रतीक हो गया। बल एवं विस्थापन दोनों आपकी सदिश राशियाँ हैं। कैसी राशियाँ हैं? सदिश, लेकिन जो कार्य है ये आपकी अदिश राशि है। बल और विस्थापन आपकी दोनों सदिश राशियाँ होगी और कार्य जो है ये आपकी अदिश राशि होगी। कार्य के मात्रक की अगर हम लोग बात करें तो सी जी एस में इसका पद्धति में मात्रक होता है अर्घ और SI पद्धति में इसका मात्रक होता है जूल। 1 जूल बराबर होता है 10^-10^7 अर्घ और ई एफ पी एस में फुट पाउंड कार्य का मात्रक होता है।
एक फुट पाउंड बराबर होता है 1.356 जूल के बराबर। ठीक है, फिर आता है आपका ऊर्जा। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का वही मात्रक है जो कार्य का मात्रक होता है, और कार्य की भांति यह भी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। ऊर्जा तथा कार्य का मात्रक वाट सेकंड, वाट घंटा और किलो वाट घंटा है। एक वाट सेकंड बराबर होता है आपका 1 वाट × 1 सेकंड बराबर 1 जूल। एक वाट बराबर होता है वाट घंटा बराबर 3600 जूल। कितना? 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा होता है बराबर 3.6 × 10^6 जूल के बराबर। फिर आता है यांत्रिक ऊर्जा। वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में शारीरिक कार्य अथवा यांत्रिक कार्य के कारण संचारित होती है उसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा को संयुक्त रूप से हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? गतिज ऊर्जा। यदि किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आंधी में टीन उड़ाने की क्षमता, आंधी में टीन उड़ाने की क्षमता गतिज ऊर्जा को के से प्रदर्शित करते हैं। किससे? के से। इसका मात्रक होता है के बराबर, मात्रक इसका जूल होता है। इसका सूत्र है के बराबर 1/2 mv². फिर आपकी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा वस्तुओं में उनकी स्थिति अथवा विक्रेत अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे आप लोग वी से प्रदर्शित कहते हैं। इसका मात्रक आपको जूल देखने को मिलेगा। इसका सूत्र होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। अब बात करते हैं आगे ऊर्जा के विभिन्न स्रोत देखते हैं। सौर ऊर्जा, सौर द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। जल ऊर्जा, बहते जल में बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है। बड़े बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। आपने सुना होगा कि इस बांध से इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है, माता टीला बांध से इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये उसी ऊर्जा की बात करें। पवन ऊर्जा, चलती वायु में गतिज ऊर्जा होती है जिसे पवन ऊर्जा कहते हैं। जब से आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी प्रशासन आया हुआ है तभी से इन ऊर्जाओं पर जोर दिया जा रहा है विशेषकर। ठीक है, क्योंकि ये ना ख़त्म होने वाली, कभी ख़त्म ना होने वाली ऊर्जाएं हैं। क्योंकि आप कोयला देखते हैं ये ख़त्म हो जाएगा एक समय के बाद, लेकिन पवन, सूर और जल तभी ख़त्म होगा जब हमारा पृथ्वी से पूरी तरह से अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा, वह ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होती है रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। विद्युत ऊर्जा, वह ऊर्जा जो विद्युत धारा द्वारा संचरित होती है विद्युत ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय ऊर्जा, वह ऊर्जा जो नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त होती है नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। ध्वनि ऊर्जा, वह ऊर्जा जिसके कारण हमारे कान के पर्दे हिलकर ध्वनि को सुनते हैं ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय, किसी वस्तु पर लगे परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। फिर आप सुनते हैं पावर, शक्ति, कार्य करने की जो दर होती है अर्थात प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, यानी कि पावर कहते हैं। इसे किस तरह से निकाल सकते हैं? शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय, पी बराबर डब्लू, यहाँ कार्य हो गया और टी यहाँ समय हो गया। शक्ति एक आपकी अदिश राशि है, याद रखिए जो भी अदिश राशियाँ हैं सदिश राशियाँ इन्हें रट लीजिए, क्योंकि आपके अगर फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन्हीं से आते हैं। वैसे आपके साइंस में से सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। यह एक सदिश राशि है शक्ति, इसका SI मात्रक का वाट है जिसे जेम्स वाट के नाम से पर रखा गया था। एक वाट बराबर 1 जूल/सेकंड बराबर 1 न्यूटन/मीटर/सेकंड। शक्ति को अश्वशक्ति में भी व्यक्त किया जाता है। एक अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, वाट किलो वाट मेगावाट अथवा अश्वशक्ति, ये शक्ति के मात्रक होते हैं। ठीक है, ये सभी। फिर आपके आगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही विनष्ट की जा सकती है, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में इसका रूपांतरण हो सकता है। इसे सीधा सा आप लोग मतलब निकालिए किससे। आपने सुना होगा पानी को कभी ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही इसे
खत्म किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। धरती पर अगर 20 लीटर पानी है तो ये 20 लीटर हमेशा रहेगा, जितना पानी है उतना खत्म नहीं होता है, बस इसका रूप बदलता रहता है। कभी ये बर्फ में, ये आपका समुद्र में चला जाता है, इसलिए हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि वाष्प के रूप में या फिर नदियों में बहकर जल जा रहा है, वो है तो धरती पर ही आपकी, समझे, धरती पर ही है, लेकिन इसका रूप बदल चुका है। इसी तरह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, ऊर्जा का ना तो इसे उत्पन्न की जा सकती है और ना ही विनष्ट किया जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में इसका रूपांतरण हो सकता है। ऊर्जा का रूपांतरण, भौतिक जगत में सभी क्रियाओं में किसी ना किसी प्रकार की ऊर्जा एक का एक या अधिक रूपों में रूपांतरण होता रहता है। ऊर्जा रूपांतरण का नियम बॉर्न हेल्महोल्ट्ज़ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही समाप्त किया जा सकता है। कैसा? ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है इसे और ना ही समाप्त किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। विभिन्न युक्तियों में ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तन, ये युक्ति हो गई आपकी, ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तन। जैसे आपका विद्युत बल्ब देखा होगा, विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। विद्युत ऊर्जा से आपकी विद्युत लगती है बल्ब में, उसके बाद ही आपने देखा होगा ऊष्मा उससे प्राप्त होती है, यानी कि हमें प्रकाश मिलता है, उजाला मिलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आपका विद्युत सेल। सोलर सेल सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती या आपकी रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यह यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। किससे? विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। सितार या आपका यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। इंजन ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। इन सभी क्वेश्चनों को याद रखिए, इन्हीं से भी क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं कि कौन सा उपकरण क्या करता है, क्या काम रहता है। अब बात करते हैं हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी वस्तु पर से किसी विरूपक बल को हटा लेने के पश्चात वह अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, उसे या आने की चेष्टा करती है, प्रत्यास्थता कहलाती है उस वस्तु की। वे पदार्थ जो इस प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं प्रत्यास्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ कहलाते हैं जो अपनी पूर्वावस्था में आने में अधिक समय लगाते हैं, जैसे इस्पात रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है। जो इस्पात है ये रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है। पिति बल, पिति इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यकारी आंतरिक प्रतिक्रिया बल पिति बल कहलाता है आपका। पिति बल बराबर बल पिति सेकंड, पिति क्षेत्रफल के हिसाब से निकालते हैं। इकाई डाइन पिति से सेंटीमीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। प्रत्यास्थता सीमा, वह सीमा जिसके पार कर लेने के बाद वस्तु प्रत्यास्थ से प्लास्टिक हो जाती है, अर्थात प्रत्यास्थता का गुण त्याग देती है, प्रत्यास्थता सीमा कहलाती है। हुक का नियम, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुपाती होती है। प्रतिबल अनुपाती विकृति, प्रतिफल बराबर ई इंटू विकृति, जहां ई आपकी प्रत्यास्थता गुणांक है। ई बराबर प्रतिफल अपॉन विकृति बराबर प्रत्यास्थता गुणांक ई, एक नियतांक है ये। अतः प्रत्यास्थता गुणांक की विमा एवं मात्रक वही है जो प्रतिफल के होते हैं। यदि विकृति तथा प्रतिफल अनुदैर्ध्य हो तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गामा, इसका मात्रक पास कर ले, यंत का प्रत्यास्थता गुणांक। अनुदैर्ध्य प्रतिफल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, MgL पाई आर स्क्वायर एल। यदि विकृति के आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बी कहते हैं। अपरूपण विकृति के दृढ़ता गुणांक को ईटा, किसे? ईटा से व्यक्त करते हैं। ये आपका ईटा का साइन हो गया, ठीक है।
फिर आपका प्रेशर यानी कि दाब किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होता है वह किसी तरह किसी सतह पर उतना ही अधिक दाब डालता है। इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जिसे आप पास्कल कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दाब का मात्रक होता है पास्कल। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एवं विभिन्न गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। अतः वायुमंडल में उपस्थित वायु भी दाब डालती है जिसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर वाले एक कॉलम द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री के अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब आपका 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ऊंचाई पर जाने पर दाब आपका कम होता जाता है। जैसे ही आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे ऊंचाई पर जाने पर दाब इसका कम होता जाता है। उदाहरण में ले सकते हैं वायुदान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का रिसना, व्यक्ति के नाक से खून का निकलना, सांस लेने में कठिनाई होना इसी के उदाहरण है। वायुमंडल में दाब को बैरोमीटर से नापते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना रहती है, और ऊपर जाता है तो आप आसमान साफ रहने की संभावना रहती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की आपकी संभावना आपको नजर आती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चलता है तो दिन साफ रहने की संभावना रहती है। वायुदाब के कारण जल 100 डिग्री सेल्सियस से सेंटीग्रेड से कम ताप पर उबलने लगता है। फिर आपने सुना है पास्कल का नियम, क्या है पास्कल का नियम? संतुलन में द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर होता है। उपयोग हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक कुर्सी इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। द्रव के अंदर उपस्थित वस्तुएं भी द्रव के बाहर के कारण दाब का अनुभव करती हैं। गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ता जाता है तथा समान गहराई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। यदि कोई वस्तु द्रव की सतह से h गहराई पर स्थित है तो उस पर दाब किस तरह से लगेगा? प्रेशर hdg, जहाँ आपका d द्रव का घनत्व हो गया, g आपका गुरुत्वीय त्वरण हो गया, h गहराई होगी। ठीक है। गलनांक और क्वथनांक, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक। गलनांक का प्रभाव, पदार्थों के गलनांक पर दाब का प्रभाव पड़ता है एवं दाब बढ़ने पर यह कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक बढ़ जाता है, जैसे आपने देखा है मोम, घी। दूसरी ओर वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक कम हो जाता है, जैसे आप इसे बर्फ में देख सकते हैं। फिर आपका बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक पर प्रभाव क्या पड़ता है? सभी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ाकर पानी का क्वथनांक बढ़ा देते हैं, जिससे अधिक ऊष्मा की मात्रा ग्रहण होती है और आपका खाना जल्दी पक जाता है। नमक मिले पानी का क्वथनांक कम होने के कारण भोजन जल्दी पक जाता है। ठीक है। फिर आपने फ्लोटेशन का नियम, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। इस नियम को फ्लोवन का नियम कहते हैं। अधिक घनत्व के द्रव में तैरने पर वस्तु का कम भाग द्रव के अंदर डूबेगा तथा कम घनत्व वाले द्रव में वस्तु का अधिक भार डूबेगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णता या फिर अंशता डूबती जाती है तो उस वस्तु के भार में आभासी कमी आ जाती है, जो कि वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। डूबी गई वस्तु पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल कार्य करता है जो कि विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। आपका दैनिक जीवन में आर्किमिडीज के सिद्धांत एवं प्लवन के नियम के अनुसार अनेक उदाहरण देख सकते हैं। कौन से?
लोहे का जहाज पानी पर तैरता है, परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाज अपने नीचे उतना प्रेशर, यानी कि उतना प्रेशर देता रहता है, पानी हटाता रहता है अपने भार के बराबर। लोहे की कील में आपने देखा होगा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहीं आप एक लकड़ी को लीजिए, कठोर लकड़ी को लीजिए, तो वो डूब जाएगा। उसका पट्टिया बनाकर आप लोग पानी पर तैरा सकते हैं। जीवरक्षक पेटी लाइफ बेल्ट भी इसी प्रकार का सिद्धांत पर आधारित है। पनडुब्बी भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। तैरने की शर्तें, जब विस्थापित तरल का भार वस्तु के भार के बराबर हो या अधिक हो। फिल्म सॉल्व रेखा, किसी जहाज पर अंकित वह चिन्ह जिस सीमा तक जहाज के पानी में डूबने तक उस पर माल लादा लादा जा सकता है, या कि फिल्म सॉल्व रेखा कहलाती है। आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व। आपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं। याद रखिए, आपेक्षिक घनत्व को किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। समुद्र के जल का घनत्व साधारण जल से अधिक होता है। समुद्र के जल का घनत्व जो आपका साधारण नमक साधारण जल होता है उससे अधिक देखने को मिलता है। अतः समुद्री जल में तैरना आसान होता है। दूध की शुद्धता आपके लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किससे? लैक्टोमीटर से। तो अपने अपने घर में एक रख लीजिए, लेकिन नापते रहा करिएगा। पेस्ट तनाव वह गुण जिसके कारण द्रव अपने मुक्त पेस्ट का मान न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है, उसे हम लोग पेस्ट तनाव कह देते हैं। इसकी माप द्रव तल की कल्पित रेखा की पिति इकाई लंबाई पर लगता है, पर लगता बल है। इसे पिति वर्ग पेस्ट ऊर्जा भी कहते हैं। पेस्ट तनाव बल अपॉन लंबाई, बल एफ हो गया और लंबाई आपकी एल हो गई। मात्रक की बात करें तो डाइन प्रति सेकंड, या फिर न्यूटन प्रति सेकंड, या फिर जूल प्रति मीटर स्क्वायर। उदाहरण के लिए पानी की बूंद का गोल होना, ये आपके पृष्ठ तनाव का ही उदाहरण है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। साबुन डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः भी मैल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे आपका कपड़ा साफ, ज़्यादा साफ होता है। शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम द्रव का पेस्ट तनाव कम होता है, अतः वो जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाता है। पानी पर मच्छर की लार्वा तैरते रहते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़कने देने पर उसका पेस्ट तनाव कम हो जाता है, जिससे लावा में अगर बैठते हैं जो मच्छर, वो डूब कर मर जाते हैं। ठीक है, पेस्ट तनाव को प्रभावित करने वाले अगर हम लोग कारकों की बात करें, कौन कौन से हैं? जब द्रव में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब द्रव का पेस्ट तनाव घटता है। तेल ग्रीस आदि पेस्ट तनाव घटाते हैं। तापमान बढ़ने से पेस्ट तनाव घटता है आपका। फिर आगे आपका केशिकत्व, जब हम कांच की दोनों सिरों पर खुली एक केश नली अर्थात चिस नली का छिद्र केश वाल के समान हो तो पानी में सीधा खड़ा करते हैं, तो नली में पानी बाहर वाली सतह की अपेक्षा कुछ ऊपर तक चढ़ जाता है। इसी प्रकार एक कांच की केश नली को पारे में खड़ी करें तो नली में पारे का तल बाहरी तल की अपेक्षा कुछ नीचे उतर जाता है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की प्रक्रिया को हम लोग केशिकत्व कहते हैं। इसके अगर हम लोग उदाहरणों की बात करें केशिकत्व के, तो ब्लोटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर आपका चढ़ता है। आपने देखा होगा, खड़ा रख देते हैं आप इस तरह, फिर भी यहाँ तक तेल आता रहता है, इसी का कारण है। पेड़ पौधों की शाखाओं तनों और पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व के कारण ही पहुँचते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था में यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभाव भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुँच जाएगा, चाहे केश नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो आपकी। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केश नालियाँ टूट जाती हैं और पानी ऊपर ना आ सके, मिट्टी में नमी बन रही। यानी कि फिजिक्स के ग्राहता आपके किसान भी होते हैं, बस वो जानते नहीं हैं कि उन्होंने ये किया है, फिजिक्स से जुड़ा ये नियम है, वरना वो भी बहुत ज्ञानी होते हैं।
पतली सुई पेस्ट तनाव के कारण ही पानी पर तैरती रहती है। फाउंटेन पेन की निब की नोक बीच में चिरी होती है, जिससे इसकी स्याही में डुबोने डुबोने पर वह उसकी उसमें चढ़ जाती है। संसंजक बल, सा संजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यशील आकर्षण बलों को हम लोग क्या कहते हैं? सासंजक बल। जिन द्रवों के अणुओं के बीच ससंजक बल अधिक होता है वे बर्तन की दीवार को गीला नहीं करते हैं, जैसे आपने देखा है पारा। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है देखने को मिलता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। कैसा होता है? नगण्य होता है। फिर दूसरा है आपका असंजक बल। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। किसी द्रव के अणुओं के बीच कार्यकारी ससंजक बल का मान द्रव एवं किसी बर्तन के अणुओं के बीच कार्यकारी असंजक बल से कम होता है, तो वह द्रव बर्तन में डाले जाने पर उसकी दीवारों को गीला कर देता है। असंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है। क्या होती है? चिपकती होती है। अब बात करते हैं श्यानता एवं श्यानता गुणांक। श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल अपनी विभिन्न परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है। श्यानता गुणांक किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। इसका एसआई मात्रक की बात करें तो डेका प्रोबाइज या फिर फुबाइजली या फिर पास्कल सेकेंड है इसका मात्रक। इसे आप लोग नीटा द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? नीटा द्वारा इसे व्यक्त करते हैं, यानी कि कहने का मतलब। उदाहरण देख सकते हैं, जितनी तेजी से हम वायु में दौड़ सकते हैं उतनी तेजी से जल में नहीं दौड़ सकते हैं। इसका कारण है कि जल की श्यानता वायु से अधिक होती है। किसकी? जल की श्यानता वायु से अधिक होती है, जो हमारे दौड़ने का विरोध करती है। यदि हम किसी द्रव को किसी बर्तन में घुमाकर छोड़ दें तो वह घूमते हुए थोड़ी देर बाद स्थिर हो जाता है, जिसका कारण है कि कारण भी आपका श्यानता ही है। सामान्यतः तरल में तापमान बढ़ाने से श्यानता गुणांक घटता है, जबकि गैसों में ये दशा में बढ़ता है। कैसा होता है? बढ़ता हुआ दिखता है। बर्नौली प्रमेय, जब एक आदर्श तरल किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बढ़ता है तो नली के एकांक आयतन में दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा का योग नियत रहता है। कैसा रहता है? नियत रहता है। वेंटूरीमीटर, पुनसन बर्नर, कार्बन फिल्टर पंप, मैग्नस प्रभाव, वायुयान की गति, ये सभी बर्नौली प्रमेय पर आधारित ही हैं। वेंटूरीमीटर से नली में द्रव प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। कर्णेज, किसी द्रव से छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित करता है। विसरण, गुरुत्व के विरोध गैसों के परस्पर एक दूसरे से मिलने की क्रिया को विसरण कहते हैं। परासरण, अर्ध परारंभ परागम्भ झिल्ली द्वारा अलग अलग दो घोलकों में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विसरण को हम लोग परासरण कह देते हैं। परासरण, फिर आपने सुना होगा एक शब्द देखने को मिलता है, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति निश्चित समय अंतराल में दोहराने वाली गति को आवर्त गति कहते हैं, और जब आवर्त गति में त्वरण दूरी के समानुपाती हो तथा इसकी दिशा किसी निश्चित बिंदु की ओर हो तो ऐसी गति को हम लोग सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति रैखिक एवं कोणीय दोनों प्रकार की हो सकती है। सरल लोलक की गति आवर्त गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। सरल लोलक की गति, सरल लोलक, इसमें किसी डोरी का एक सिरा किसी दृढ़ आधार से बंधा होता है और दूसरे सिरे पर कोई भारी वस्तु लटकी होती है जो ऊर्ध्वाधर तल से स्वतंत्रतापूर्वक दोलन कर सकती है। सरल लोलक के बाहर नियम होते हैं, समकालत्व का नियम, लंबाई का नियम, गुरुत्व का नियम, मात्रा का नियम। जब कोई बल वस्तु को संतुलित स्थिति में लाने के लिए कार्यरत होता है तो वह बल प्रत्यानयन बल कहलाता है, जिसका परिणाम संतुलित स्थिति में विस्थापन पर निर्भर करता है। किसी खींचे गए स्प्रिंग द्वारा लगाया जा रहा है बल प्रत्यायन बल का उदाहरण ही है। सरल लोलक की लंबाई L
और आवर्तकाल टी में संबंध। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जहां आपका जी गुरुत्वीय त्वरण है। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिए। अतः झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर जी का मान गुरुत्वीय त्वरण का बल का मान पृथ्वी के जी के मान के 1/6 गुना होता है। सरल आवर्त गति की विशेषताएं देख लेते हैं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपने मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है तथा गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। इसमें स्थितिक ऊर्जा शून्य होती है तथा उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम देखने को मिलता है। उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है और वेग आपका शून्य होता है इस समय, ठीक। फिर आपका तरंग गति और ध्वनि। तरंग गति एक ऐसी प्रक्रिया है अथवा विक्षोभ है जिसमें भाग लेने वाला प्रत्येक कण अपने परवर्ती कण के दोलन की स्थिति में थोड़ी देर बाद आता है। इस प्रकार तरंग गति को अगले कण को हस्तांतरित करता है, जिससे विक्षोभ एक निश्चित चाल से गतिमान होता है। तरंग क्रस्ट तरंग गति का उठा हुआ भाग होता है। गर्त तरंग गति का दबा हुआ भाग होता है। इस चित्र में आपको देख रहे होंगे, ये गर्त हो गया और ये आपका तरंग ऊपर उठा हुआ भाग। फिर आपका आयाम दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम स्थिति के किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तय तक जाती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। इसका मात्रक आपका सेंटीमीटर होता है अथवा मीटर में भी होता है। तरंग दैर्ध्य माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है इसे तरंग दैर्ध्य करते हैं। इसे आपका निरूपी करते हैं, क्या है इसे किससे, लैम्डा से व्यक्त करते हैं, ठीक है। लैम्डा, इसे लैम्डा ही कहते हैं ना, अगर और कुछ कहा कहते हो तो आप नीचे बता दीजिए, ठीक है। मेरे जान में तो इसे लैम्डा ही कहते हैं। आवर्तकाल एक पूर्ण दोलन अर्थात एक तरंग के निर्माण में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं और इसका मात्रक सेकंड है, जिसे टी से हम लोग व्यक्त करते हैं। आवृत्ति एक सेकंड में किए गए पूर्ण दोलनों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसे हम लोग एन से स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अतः एन बराबर 1/T, जहाँ एन आपका आवृत्ति हो गया, टी आवर्तकाल हो गया, इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज में होता है, HZ। तरंग गति दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग, क्या है, अनुप्रस्थ तरंग गति में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के पर ऊपर नीचे गति करते हैं, गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगें एवं प्रकाश तरंगें आदि अनुप्रस्थ तरंगें की ही उदाहरण है। फिर आपकी दूसरी अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग गति में माध्यम के कण माध्य स्थिति पर आगे पीछे तरंग गति की दिशा में कंपन करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ध्वनि की गति, इसकी ध्वनि की गति। अनुदैर्ध्य तरंगों के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यास्थता आवश्यक होती है। ये तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य परस्पर में परिसय में 10^-14 मीटर से 10^4 मीटर तक हो सकता है। फिर आपने सुना होगा परावैगनी किरणें, परावैगनी तरंगें, इनकी खोज आपके किसने की थी, परावैगनी किरणों की खोज रीटर ने, याद रखिए रीटर ने। ये तरंगें सूर्य के प्रकाश विद्युत विसर्जन निर्वात या फिर स्पार्क आदि से उत्पन्न होती हैं। इसका तरंग दैर्ध्य परिसर 10^-60 मीटर से 10^-7 मीटर तक होता है।
इसका उपयोग सिकाई करने, विकास विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने और बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी किया जाता है। फिर आपने दृश्य विकिरण, इसकी खोज आपके न्यूटन साहब ने की थी। दृश्य विकिरण में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण एवं दृष्टि संवेदन आदि गुण पाए जाते हैं। ये विकिरण ताप दीप्त वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं। विकिरण के स्रोत सूर्य, तारा, ज्वाला, विद्युत बल्ब और आर्क लैंप आदि होते हैं। तरंग दैर्ध्य परिसर में थ्री पॉइंट नाइन इंटू दस की पावर माइनस सेवन यानी कि 10^-7 मीटर सेकंड से 7.8 × 10^-7 मीटर तक होता है, जिसमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं आपको। फिर आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यांत्रिक तरंगे तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त कुछ तरंगें ऐसी भी हैं जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और वे तरंगें निर्वात में भी आपकी संचारित यानी कि चल सकती हैं। इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। फिर आपकी गामा किरणें, क्या गामा किरणें? गामा किरणों की खोज बेकुरल साहब ने की थी, बेकुरल। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन इस तरह से बनते रहते हैं आपके कि गामा किरणों की खोज किसने की थी। गामा किरणें अत्यंत लघु तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। याद रखिए इनसे संबंधित मैं 1000 से करीब क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और वन लाइनर में भी हम लोग 1000 के करीब आपके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये अभी जो सॉल्व किए हैं ये आपकी सिविल सर्विस के लिए ज़रूरी हैं कि उसमें कथन पूछे जाते हैं, उस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर आपका कोई क्वेश्चन जाएगा, इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आते रहेंगे। इनका तरंग दैर्ध्य परिचय 10^-14 मीटर से लेकर 10^-10 मीटर तक होता है। तरंग दैर्ध्य बहुत कम होने के कारण इन किरणों में अत्यधिक ऊर्जा होती है, जिससे ये लोहे की चादरों के को पार कर जाती है। इसकी वेधन क्षमता अत्यधिक होती है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो धर्मिता में की जाती है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटजेन ने, याद रखिए रोंटजेन ने। इसका तरंग दैर्ध्य परिसर में 10^-10 मीटर से 10^-8 मीटर तक होता है। इन किरणों की का चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में बहुत प्रयोग होता है। अवरक्त किरणें, इनकी खोज आपके विलियम हर्सेल साहब ने की थी। इनका तरंग दैर्ध्य 7.8 × 10^-7 मीटर से 10^-3 मीटर तक होता है। ये तरंगें पदार्थ को उच्च ताप पर गर्म करने पर निकलती हैं। इन किरणों की वेधन क्षमता शक्ति अधिक होने के कारण एक घने कोहरे एवं धुंध से पार निकल जाती हैं। युद्धकाल में इन किरणों का उपयोग दूर दूर तक सिग्नल भेजने में किया जाता है। आगे चलते हैं आप। हर्ट्ज लघु रेडियो तरंगे, इन तरंगों की खोज आपकी हेनरिक हर्ट्ज साहब ने की थी। इनका तरंग दैर्ध्य परिसर में 10^-3 मीटर से 1 मीटर तक होता है। इनका उपयोग रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन आदि के प्रसारण में किया जाता है। फिर आपकी वायरलेस या फिर धीरे रेडियो तरंगें, इन तरंगों की खोज मार्कोनी ने 1896 में की थी। इनका तरंग परिसर में 1 मीटर से 10^-4 मीटर तक होता है। इनका उपयोग रेडियो एवं टेलीविजन में भी होता है। आद वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आद वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। हम लघु तरंगों के प्रसारणों को दीर्घ तरंगों के प्रसारण की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? ब्रिटिश भौतिक विद सर विलियम हेनरी बेग और उनके पुत्र विलियम लॉरेंस बेग ने एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य मापने के लिए एक्सरे स्पेक्ट्रोमापी का निर्माण किया था। एक्सरे का प्रयोग करके बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाया जाता है। ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है। लोहे की छड़ में ध्वनि की चाल 5130 यानी कि 5130
मीटर प्रति सेकंड होती है सबसे ज़्यादा ठोस में। याद रखिए इसे पढ़ने के बाद आप लोग जितने से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं। क्योंकि आपने किसी बुक्स को पढ़ लिया, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक बुक्स पढ़ लीजिए चाहे 10 बुक्स पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस तभी आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे जब आपने बेहतर प्रैक्टिस किया हो, वही काम आएगा आपके। ध्वनि साउंड, ध्वनि एक तरंग है जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है और हमारी कान में संवेदना उत्पन्न करती है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं, कौन कौन सी हैं? ध्वनि संचरण के लिए माध्यम का होना अति आवश्यक होता है। ध्वनि संचरण में माध्यम अपना स्थान नहीं छोड़ता है। ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है, ध्वनि का संचरण निर्वात में संभव नहीं है। गैसों में ध्वनि का संचरण केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ही संभव है, जबकि ठोसों और द्रवों में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों के माध्यम से ध्वनि का संचरण देखने को मिलता है आपको। फिर आपकी कंपन की कला आवर्त गति में कंपन करती हुई किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति अथवा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण पर की कंपन की कला कहते हैं। निम्न तरंगें विद्युत चुंबकीय नहीं है, कौन कौन सी हैं? कैथोड किरणें, कैनाल किरणें। निम्न तरंगें विद्युत चुंबकीय नहीं है, कैथोड किरणें, कैनाल तरंगें, और इसमें अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगें, पराशब्द तरंगें। फिर आपका मेक संख्या क्या है? मेक संख्या किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल अनुपात को उस माध्यम में मेक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? मेक संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसे किस तरह से निकालते हैं, मेक संख्या बराबर ध्वनि की स्रोतों का वेग अपॉन ध्वनि का वेग। मेक संख्या 1 से अधिक होने पर ध्वनि की चाल पराध्वनिक एवं मेक संख्या 5 से अधिक होने पर ध्वनि की चाल अति पराध्वनिक कहलाती है। फिर आपकी पिघाती तरंगें, जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। ये विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंग कहते हैं। जब प्रघाती तरंग स्रोता तक पहुंचती हैं तो वह अचानक एक प्रकार का जोरदार धमाका सुनते हैं, जिसे हम लोग ध्वनि बूम कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि बूम कहते हैं। ध्वनि तरंग वे तरंगें जो ध्वनि का संचरण करती हैं ध्वनि तरंगें कहलाती हैं। वह केवल अनुदैर्ध्य तरंगें ही होती हैं। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुनी जा सकती है। क्या? चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुनी जा सकती है। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर, यांत्रिक तरंगों को उनके आवृत्ति परिसर के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। श्रव्य तरंगें वे यांत्रिक तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति परिसर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। इन तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। मुझे लगता है कि ये आपका कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, MPPCS में भी पूछा जा चुका है और UPPCS में भी कई बार पूछा जा चुका है और कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि हमारे कान कितनी तरंगों मतलब किस हर्ट्ज तक तरंगें सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। श्रवण परास, हमारे कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुनने के लिए सुग्राही है। आवृत्ति की यह परास की श्रवण परास कहलाता है। अवश्रव्य तरंगें वे यांत्रिक तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये तरंगें हमें सुनाई नहीं देती हैं। हमारे हृदय की धड़कन की आवृत्ति अवश्रव्य तरंगों के समान है। इस प्रकार की तरंगों को बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। फिर आपका पराशब्द तरंगें वे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें जिनका आवृत्ति हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। जब कुछ पदार्थ जैसे क्वार्ट्ज, जिंक ऑक्साइड की क्रिस्टलों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया जाता है तो उनके कंपन से भी पराशब्द तरंगें उत्पन्न होती हैं, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे आप सुन सकते हैं। पराशब्द तरंगों के उपयोग की बात करें तो संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में,
सोनार साउंड नेविगेशन रेंजिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। एक कई बार पूछा जा चुका है आपका कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता किस तरह से लगाते हैं, तो ये सोनार से। पता है, मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन से बनाना आना चाहिए, उसके बाद हमें कुछ आना चाहिए या नहीं। क्योंकि देखिए, हमने कई बुक्स पढ़ ली हैं, अब हमें मालूम ही ना चले कि सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस या फिर वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। तो चांस, गलत होने के चांस मैं सोचता हूँ कि 60 से 70% होते हैं। और अगर आपको कम किताबें पढ़ी हो फिर भी आपको क्वेश्चन बनाने आते होंगे कि क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि 80 से 85 और 90% तक आपको क्वेश्चन वो सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो आप जितने से जितने ज़्यादा टेस्ट हो सके मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश किया करिएगा। ठीक है, एमपीपीएससी के लिए तो मैंने पिछली बार भी 15-20 टेस्ट लगवा दिए थे, और आप याद रखिए कोई भी कोचिंग आपको घोल के नहीं पिला देगा। ठीक है, और कोचिंग के भरोसे कभी मत बैठिए, मैं इतना ही कहूँगा जो भी आज तक बना है। हाँ, हो सकता है वनडे एग्जाम आप रट रूट के निकाल लें कोचिंग के भरोसे, लेकिन कोचिंग में क्या पैसा देने की ज़रूरत पड़ती है। मैंने भी देखिए, 2016 की बात है, मुझे भी सुनाई दिया कि मुझे भी बताया गया लोगों ने कि एमपीपीएससी में आपका कौटिल्य से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेस्ट सीरीज से। पता है, 2 दिन के लिए मैंने 4500 4500 शायद 5500 रुपये में टेस्ट सीरीज खरीदी। मैंने सोचा हो सकता है कि आता हो इससे क्वेश्चंस। हकीकत है, देखिए मुझे फेंकने, मुझे मालूम नहीं है लोग फेंकते हैं क्या बोलते हैं उस कोचिंग में पढ़ते हों, और उन्हें देखो कोचिंगों की इसमें गलती नहीं होती है, क्योंकि वो तो बोलेंगे कि हमारे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो पता है 10 क्वेश्चंस नहीं आए उस टेस्ट सीरीज से, और पता है पिछली बार जो मैंने टेस्ट सीरीज लगवाई थी, मैं अपनी कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें से क्वेश्चंस, अधिकतर क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ST ST एक्ट, ये 3 एक्ट ऐसे हुआ करते थे कि मुझे पता था कि इनसे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चंस अगर हमने जो भी आपको प्रोवाइड करवाए थे, टेस्ट हो अपने चाहे आपके लेक्चर हो, इन तीनों एक्टों पर, उनसे आपका क्वेश्चंस कोई छूटा हो, बहुत सरल भाषा में बताए गए थे। लेकिन 2020 से आपके कुछ इस तरह के एक्ट खत्म हो गए, कर दिए गए सिलेबस से बाहर, लेकिन इनसे भी अभी भी क्वेश्चंस आपके पूछते रहेंगे कोई भी एग्जाम। अब आपके संगठन जुड़ गए हैं उसमें, अब देखिए हमने जो संगठन उपलब्ध कराए हैं आपको उसे पढ़िए, आपका WHO हो, UN हो, जो भी हो, सभी संगठन आपको दे दिए गए हैं। फिर चाहे आपका सिविल सर्विस में कोई क्वेश्चंस आता है या फिर स्टेट PCS या फिर वनडे एग्जाम में, आपका क्वेश्चंस कोई गलत नहीं होगा। बस इतना याद रखिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि आपको 1 घंटे में एक पाठ पढ़ाता बैठा रहे। आप समझ सकते हैं कि फिजिक्स को मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं 30 दिन में इसे फिजिक्स को ख़त्म करें। मैं सोचता हूँ कि 2 से 3 दिन में मैं फिजिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर दूँ। इसके लिए मुझे कितना भी बोलना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तीव्रता, तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण हमें कोई ध्वनि धीमी अथवा तेज सुनाई देती है। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की तीव्रता उतनी ही अधिक देखने को मिलेगी। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रा आपको माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर तथा प्रयोगात्मक मात्रा का आपका बेल देखने को मिलेगा। बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि को मानव के लिए सर्वोत्तम होता है। स्रोतों के अनुसार ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि के स्रोत और तीव्रता डेसिमल। साधारण जो हम लोग बातचीत करते हैं इसका डेसिबल में, आप जानते हैं कि ध्वनि को किस में नापते हैं? डेसिबल में। और WHO के अनुसार ये 45 डेसिमल है। ठीक है, भारत मानकों के अनुसार ये 55 है सामान्य। तो साधारण बातचीत 30 से 40 डेसिमल, जोर से बातचीत 50 से 60, ट्रैक्टर ट्रक ट्रैक ट्रैक्टर की आवाज़ वाली ध्वनि 90 से 100 डेसिमल, ऑर्केस्ट्रा 100, मोटरसाइकिल विद्युत मोटर 110 डेसिबल, सायरन 110 से 120 डेसिबल, जेट विमान 140 से 150 डेसिबल, मशीन गन 170 डेसिबल, मिसाइल 180
80 डेसिबल। आप जब जेट विमान निकलता है तो आप देखते होंगे धरती हलने लगती है, मिसाइल जहाँ से छोड़ी जाती है वहाँ हलने लगती है, धरती में कंपन होने लगता है। फिर आपका तारत, तारत ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटी या फिर पतली होती है। ध्वनि का तारत तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, अधिक आवृत्ति हो ध्वनि का तारत अधिक होगा। ध्वनि के तारत का ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंध नहीं होता है, याद रखिए। जैसे शेर की दहाड़ एक तीव्र ध्वनि है लेकिन इसका तारत तो बहुत कम होता है, जबकि मच्छर की भरमनाट एक धीमी ध्वनि है लेकिन इसका तारत शेर की दहाड़ से अधिक होता है। अब आपके क्वेश्चंस देखिए, किसी भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस टाइम कोई भी क्वेश्चंस निर्धारण नहीं कर सकता है कि किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन अपना एक अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग। अब पूछ लेगा कि शेर की दहाड़ मच्छर की भनभनाहट से धीमी होती है, इसकी तारत कितना होता है, बहुत हो कम होता है या ज़्यादा? तो आप कह सकते हैं शेर की दहाड़ का ध्वनि अधिक होती है लेकिन इसका तारत बहुत कम होता है, और मच्छर में इसका तारत अधिक देखने को मिलता है। क्वालिटी, गुणता, गुणता ध्वनि का वह लक्षण है जो समान तीव्रता और समान आवृत्तियों की ध्वनियों में अंतर स्पष्ट करता है, अधिस्वर पर निर्भर करता है। ध्वनि का वेग, किसका? ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग ठोस में अधिकतम, उद्गम में उसमें कम और गैस में सबसे कम देखने को मिलता है। ध्वनि वेग पर विभिन्न कारकों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ताप का प्रभाव, माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। दबाव का प्रभाव, ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्द्रता का प्रभाव, नमीयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात के मौसम में सीटी की आवाज़ बहुत कम दूर तक सुनाई देती है। घनत्व का प्रभाव, ठोस एवं द्रव में घनत्व का मान बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, जबकि गैसों में घनत्व बढ़ने पर यह घटता है। यही कारण है कि हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि का वेग से अधिक होता है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल की बात करें हम लोग, तो जैसे वायु ये माध्यम हो गया, ध्वनि की चाल हो गई मीटर प्रति सेकंड में। वायु 332 मीटर प्रति सेकंड, हाइड्रोजन 1269, कार्बन डाइऑक्साइड 260 मीटर प्रति सेकंड, भाप 405, एल्कोहल 1213, जल 1483, समुद्र जल 1533, पारा 1450, लोहा 5130, एल्यूमिनियम 6420 मीटर प्रति सेकंड, कांच 5640, स्टील ए 5790 मीटर। हवा का प्रभाव, हवा के विपरीत दिशा में वेग घटता है जबकि हवा की दिशा में वेग बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, ध्वनि का परावर्तन। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में पृष्ठ से टकराती है तो ध्वनि के पश्चात पहले माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे हम लोग ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। पिति ध्वनि, ध्वनि का किसी विस्तृत अवरोध से परावर्तित होकर उसके पुनः सुने जाने की घटना को पिति ध्वनि कहते हैं। स्पष्ट पिति ध्वनि के लिए परावर्तन अवरोध की न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर, लगभग आपकी 17 मीटर होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1 से 10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है। आप दिन में चिल्ला के देखिए, अगर आपकी 1 किलोमीटर तक ध्वनि जाती है तो रात के समय आपकी उससे भी दूर तक ध्वनि सुनाई देगी। ध्वनि का व्यतिकरण, जब समान आवृत्ति या आयाम के दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को हम लोग ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। ध्वनि का विवर्तन, किसी अवरोध के कारण तरंगों की दिशा परिवर्तन विवर्तन कहलाता है। ध्वनि तरंग में विवर्तन सबसे स्पष्ट होता है। डॉपलर प्रभाव, सापेक्ष गति के कारण स्रोत एवं श्रोता के मध्य आवृत्ति होने वाले आभासी परिवर्तन की घटना को हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं। स्रोत एवं श्रोता के बीच की दूरी बढ़ने पर आभासी आवृत्ति
वास्तविक आवृत्ति से घटती तथा निकट आने पर बढ़ती है। प्रभाव की शर्तें बात करें तो श्रोता स्रोत एवं श्रोता के बीच सापेक्ष गति, ध्वनि के वेग को ध्वनि स्रोत के वेग से अधिक होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग ऊष्मा, हीट। वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होते हैं उसे हम लोग ऊर्जा कह देते हैं। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसके मात्रक जूल कैलोरी और किलोग्राम में देखने को मिलेंगे, जूल कैलोरी और किलोग्राम में। अवस्था परिवर्तन एवं गुप्त ऊष्मा, किसी निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप नहीं बदलता है, क्या होता है, ताप नहीं बदलता है। त्रिक बिंदु, जिस बिंदु पर तीनों अवस्थाएं ठोस तरल गैस एक साथ पाई जाती हैं उसे हम लोग त्रिक बिंदु कहते हैं, जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाए ठोस तरल गैस। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, किसी निश्चित ताप पर ठोस का द्रव अवस्था में गलन करना, इस निश्चित ताप को ही ठोस का गलनांक यानी कि गलने की प्रक्रिया कहते हैं। हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, किसी निश्चित ताप पर द्रव का ठोस बदलना हिमीकरण कहलाता है, इस निश्चित ताप द्रव का हिमांक कहलाता है। पानी से बर्फ बनती है तो वो एक निश्चित तापमान पर ही तो बनती है। यह गलनांक एवं हिमांक बराबर होते हैं। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं जैसे बर्फ, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है, तथा जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। कैसा होता है, बढ़ता है। किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाने पर जैसे बर्फ में नमक मिलाने पर गलनांक घटता है, यानी कि गलने की प्रक्रिया घट जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी बर्फ आइसक्रीम बनाई जाती है तो उसमें नमक मिलाया जाता है, इसीलिए कि वो जल्दी पिघल ना जाए, गल ना जाए। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, किसी निश्चित ताप पर द्रव का बाष्प में बदलना बाष्पन कहलाता है, तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है संघनन, इसे आप लोग भूगोल में भी पढ़ चुके हैं। किसी निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, अतः क्वथनांक एवं संघनन ताप समान होता है। दाब बढ़ाने पर आपका क्वथनांक बढ़ता है, अशुद्धि मिलाने पर भी आपका द्रव्यमान क्वथनांक द्रव का क्वथनांक बढ़ता दिखता है। जब भिन्न भिन्न ताप पर दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में लाई जाती हैं अथवा मिश्रित की जाती हैं तो ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है, और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान ना हो जाए। कैलोरी मिति का सिद्धांत कहा जाता है इसे, क्या, कैलोरी मिति का सिद्धांत। ऊष्माधारिता, किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही हम लोग ऊष्माधारिता कहते हैं। इसका मात्रक कैलोरी किलो कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस है। इसका एसआई मात्रक आपको जूल प्रति डिग्री सेल्सियस यानी कि सेंटीग्रेड है। इस प्रकार किसी पदार्थ में विद्यमान ऊष्मा की पहचान उसके अणुओं में वर्तमान गतिज ऊर्जा से की जाती है। ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट की माप को प्रदर्शित करता है। दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बहने वाली ऊर्जा को ऊष्मा कहा जाता है। यदि कार्य W ऊष्मा Q में बदलता है तो Q प्रति W प्रति यानी कि कार्य प्रति ऊष्मा बराबर J, जहां J आपका नेतांक है और J का मान होता है 4.186 जूल प्रति कैलोरी। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक आपको जूल देखने को मिलेगा। पृथ्वी ऊष्मा की खराब अवशोषक है। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलने अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। कैसी ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा, जो हमें दिखती नहीं है लेकिन असर अधिक करती है। काले वस्त्रों की अपेक्षा श्वेत वस्त्रों में शीतल होता है, क्योंकि श्वेत वस्त्र प्रकाश ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं जबकि काले वस्त्र प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इस कारण श्वेत वस्त्र शीतल यानी कि काले वस्त्र गर्म में होते हैं। श्वेत वस्त्र आप देखते हैं कि सफ़ेद कपड़े गर्मियों में ठंड में सॉरी श्वेत वस्त्र आपके शीतल होते हैं यानी कि गर्मियों में पहने जाते हैं, और काले वस्त्रों को आप लोग ठंडों में पहनते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। ताप गतिकी या फिर ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। एक श्वेत अथवा तथा चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक
तथा अच्छी परावर्तक होती है। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि जमने पर पानी फैलता है आपका। ताजे पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात इस तापमान पर पानी बर्फ बन जाता है। शीतकाल में हैंडपंप पर पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक देखने को मिलता है। ठंडे प्रदेशों में शीतकाल में जब वातावरण का तापमान गिरते गिरते 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, तब झीलों और तालाबों में पानी की ऊपरी सतह तो बर्फ में बदल जाती है, जबकि नीचे की परतें 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के रूप में रहती हैं। याद रखिए, इसी कारण आपने देखा होगा कि बर्फ बनने के बाद भी आपने देखा है कि जीव जंतु तालाबों में या झीलों में जिंदा बने रहते हैं, वो क्योंकि नीचे पहुंच जाते हैं। ठीक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा की एक इकाई मान है। 1 किलोवाट बराबर घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 मेगाजूल। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता अधिक ऊंचाई पर निम्न वायुमंडलीय ताप के कारण घट जाता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय ताप कम होता जाता है। जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। तापक्रम टेम्परेचर, किसी पिंड का ताप उस पिंड की ऊष्मीय ऊर्जा संबंधी वैभौतिक दशा है, जिससे यह सूचित होता है कि किसी पिंड के संपर्क में आने पर ऊष्मा के प्रवाह की दिशा क्या होगी। तापमापन तापमापी, ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। 4 प्रकार के ताप प्रमाणे प्रचलित में हैं, कौन कौन से हैं देख लीजिए इन्हें। सेल्सियस प्रमाणा, इस प्रमाणे का आविष्कार स्वीडन के विज्ञानी सेल्सियस ने किया था, इन्हीं के नाम पर सेल्सियस रख दिया इसका नाम। इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस एवं भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित करते हैं तथा इसके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाप को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ताप का पुराना मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका नया नाम डिग्री सेल्सियस रख दिया गया, यानी कि दोनों एक ही हैं कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाने में प्रमाणा कहा जाता था, नाम ही बदल दिया गया, वैसे सब ठीक एक ही जैसा है। फारेनहाइट प्रमाणा, इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फारेनहाइट ने किया था। इसका हिमांक 32 डिग्री फारेनहाइट और भाप बिंदु 212 डिग्री फारेनहाइट देखने को मिलता है। इसके बीच की दूरी 180 के बराबर भागों में बांटी गई है। रोमर पैमाना, इसका हिमांक बिंदु 0 डिग्री आर एवं भाप बिंदु 80 डिग्री आर यानी कि रोमन पैमाना, इसके बीच का भाग आपको 80 बराबर भागों में बांटा जाता है। फिर आपने देखा होगा केल्विन पैमाना, इसमें हिमांक 273 केल्विन और भाप बिंदु 273 केल्विन, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को समान 100 भागों में बांटा गया है। केल्विन में व्यक्त ताप में डिग्री नहीं लिखा जाता है, क्या देखा है आपने, यहाँ डिग्री का यूज किया जा रहा है लेकिन यहाँ डिग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। इस शब्द को याद रखिए, कई बार पूछ सकता है। परम शून्य सिद्धांत अनुसार अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती, जबकि निम्नतम ताप की सीमा होती है। किसी भी वस्तु का तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता, जिसे परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने पर 0 K लिखते हैं इसे, अर्थात 0 के बराबर क्या होता है, 273.15 C। इसे सुविधा के जन लिए 273 मान लिया जाता है एवं 273.16 K = 0 डिग्री सेल्सियस। पारा 39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, इससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग करते हैं। अल्कोहल 115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, -115 डिग्री सेल्सियस पर, ए -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। द्रवमापी पारा तापमापी लगभग -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैस मापी, इसमें स्थित आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है आपका। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मापन किया जा सकता है। प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी, इसके द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के ताप को माप सकते हैं। ताप एवं तापमापी,
इस तापमापी का प्रयोग -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री तक के तापों का मापन किया जा सकता है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी या स्टीपन के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु के उत्सर्जन विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। इस तरह से एक नेतांक स्टीपन नेतांक कहते हैं इसे, ठीक है। इससे दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है, जैसे सूर्य का ताप। इसके द्वारा फिर 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप मापे जाते हैं। इससे नीचे का ताप नहीं, क्योंकि इससे कम ताप की वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जन नहीं करती हैं। ऊष्मा का ताप इसी के द्वारा मापते हैं। फिर आपके ऊष्मा के घट मात्रा कैलोरी, 1 ग्राम जल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम लोग कैलोरी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। क्या? 1 कैलोरी कहा जाता है। विभिन्न मात्रकों में संबंध, 1 BTHU बराबर होता है 252 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर आपका 4.186 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4186 जूल बराबर 1000 कैलोरी। ऊष्मीय पिसार, सामान्यतः पदार्थों को ऊष्मा देने पर पदार्थ का आयतन बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर पदार्थों के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ पदार्थ जैसे पानी का 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच, सिल्वर आयोडाइड का 80 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान बढ़ने पर इनका संकुचन होता है। ठोसों का पिसार, साधारणतः जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो इसका सभी दिशाओं में पिसार होता है, जिससे इसके आयतन में वृद्धि देखने को मिलती है। द्रवों का विसार, द्रवों को गर्म करने से उनका सिर्फ आयतन बदलता है, अर्थात उनके आयतन में पिसार होता है। द्रवों को गर्म करने पर घनत्व में परिवर्तन, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो इसका आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है, अतः पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर घटता है। पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? घटता है। ठोसों को गर्म करने पर चूंकि उनके आयतन में बहुत कम परिवर्तन होता है, इसलिए गर्म करने पर ठोसों का घनत्व लगभग अचर रहता है। द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में प्रसार अधिक होता है, परिणाम स्वरूप गर्म करने पर द्रवों का घनत्व घटता है, पानी को छोड़कर सिर्फ। ऊष्मा का संचरण, पदार्थों में तापांतरित के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। ऊष्मा के स्थानांतरण को ऊष्मा का संचरण कहा जाता है। फुरा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा का संचरण निम्न 3 प्रकार से होता है। चालन, ऊष्मा संचरण की इस विधि में किसी वस्तु में ऊष्मा का संचरण उस वस्तु के अणुओं द्वारा अपना स्थान परिवर्तन किए बिना होता है। ठोस वस्तुओं में ऊष्मा प्रसार फुरा इसी विधि से होती है। ऊष्मा चालकता के आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार से कर सकते हैं। किन किस से? चालक, कंडक्टर, जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का चालांतर सरलता से होते हैं उन्हें हम लोग चालक कहते हैं, जैसे आपने सभी धातु, अम्लीय जल, मानव शरीर, कुचालक। जिन पदार्थों से ऊष्मा का चालन सरलता से नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है उन्हें कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कांच, सिलिका, बायोगैस, रबर। ऊष्मा रोधी, जिन पदार्थों में से ऊष्मा का चालन बिल्कुल नहीं हो सकता है उन्हें हम लोग ऊष्मा रोधी कहते हैं, एस्बेस्टस, एवोनाइट। फिर दूसरा है संवहन, ऊष्मा संचरण की इस विधि में ऊष्मा का संचरण वस्तु के अणुओं के स्थान परिवर्तन द्वारा होता है। द्रव एवं गैस में ऊष्मा का संचरण इसी विधि से होता है। फिर विकिरण, यह ऊष्मा के संचरण की वह विधि जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का पहुँचना इसी विधि का सरल उदाहरण है। किसका? विकिरण का। ताप मापने की इकाई की बात करें तो सेंटीग्रेड, 0 से, पीछे भी हम वो बात कर चुके हैं इसके बारे में, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉरेनहाइट, 32 डिग्री से 212 डिग्री फॉरेनहाइट केल्विन, 273 से 373 तक, याद रखिए इसमें डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। रोमर, 0 डिग्री से 80 डिग्री तक। रैकिन, 452 डिग्री से 672 तक। मानव शरीर का तापमान, सामान्यतः तापमान आपका 98.6 फॉरेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। याद रखिए अलग अलग में ये अलग अलग, अगर आप लोग फॉरेनहाइट से मापेंगे तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट रहेगा, और अगर सेंटीग्रेड या सेल्सियस से मापते हैं
तो 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा ये सामान्य ताप, ठीक है। -40 डिग्री सेल्सियस वह तापमान है जिस पर सेंटीग्रेड एवं फॉरेनहाइट प्रमाण समान प्रमाणित समान पठन प्रदर्शित करते हैं। चारों परमाणुओं का संबंध इस तरह से होता है, आप एक अगर दिया है तो दूसरे का निकाल सकते हैं। चारों परमाणुओं के संबंध C-1 सेंटीग्रेड -0, 100 सबसे कम और 100 सबसे अधिक, ठीक है। और 32 से शुरू होता है, 180 तक जाता है, ठीक। R ए 0 से 80 तक, K-273/100 इनके बीच का अंतर रहता है, ठीक। या फिर C/5 इस तरह से निकालिए, से 5, 2, 10, 9 इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सी का मान भी, एफ का मान भी और के का मान भी बाद में आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए, ताप मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग होता है उसे हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। ताप मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? थर्मामीटर। साधारणता यह तापमापी या थर्मामीटर का सिद्धांत है कि ताप बढ़ने पर इसमें डाले गए द्रव में फैलाव देखने को मिलता है। मुख्य रूप से अल्कोहल एवं पारा ही ऐसे द्रव हैं जिनका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। अल्कोहल का प्रयोग तापमापियों में किया जाता है जो -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे मापने के लिए काम आता है। ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रभाव जिसके कारण पृथ्वी पर सौर विकिरण तो आते हैं लेकिन पृथ्वी द्वारा परिवर्तित अंतरिक्ष में वापस नहीं जाते, इसे हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसी के कारण आपने देखा होगा कि तापमान बढ़ जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा अधिक बढ़ जाने पर वह पृथ्वी के चारों ओर एक ऊष्मारोपी रोधी घेरा बना देते हैं जिसके कारण उपयुक्त घटना घटती है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। बागवानी में पौधों में ऊष्मा संचित करने के लिए कांच के छोटे छोटे घर का प्रयोग किया जाता है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव पर ही आधारित होते हैं। सूर्य का प्रकाश इन घरों में प्रवेश कर जाता है, उससे उत्पन्न ऊष्मा इन घरों से वापस वापस वातावरण में नहीं जा पाती क्योंकि कांच इसके लिए अच्छा अलग की भांति व्यवहार करते हैं। अतः ऊष्मा अंदर की रहकर पौधों को गर्म रखती है जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, नाइट्रिक ऑक्साइड आदि ऊष्मारोधी गैसें पृथ्वी के चारों ओर आच्छादित होकर ऊष्मारोधी घेरा बनाती हैं जिससे पृथ्वी पर सौर विकिरण तो जाते हैं लेकिन ये गैसें इसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती हैं जिससे वायुमंडल के तापमान में निरंतर वृद्धि देखने को मिलती है। यह भी आपके ग्रीन हाउस प्रभाव का ही एक रूप देखने को मिलता है आपको। अब आप बात करते हैं कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। ये आपके पदार्थ हो गए, ये इनकी विशिष्ट ऊष्मा हो गई कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस में, ठीक है। जैसे पानी की बात करें तो इसकी है 1.0, संगमरमर की बात करें तो 0.21, लोहा की बात करें तो 0.11, बर्फ़ आपकी 0.50, एल्यूमिनियम की 0.21, बालू की 0.20, मैग्नीशियम की आपकी 0.25 और अल्कोहल की आपकी 0.60 और सीसा की आपकी 0.3, पीतल की 0.09, कार्बन की 0.17, तारपीन की आपकी 0.42 और जिंक की आपकी 0.092, ठीक। विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान की ऊष्मा धारिता को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं हम लोग। दूसरे अगर शब्दों में हम बात करें तो किसी पदार्थ के इकाइयों इकाई द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा के परिमाण को ये हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसके एसआई मात्रक की बात करें तो इसके जूल प्रति जूल, प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होती है इसकी एसआई मात्रक। 1 ग्राम जल का ताप 0 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता आपको होती है। यदि समान ताप पर समान द्रव्यमान का पदार्थ लेकर उनको ऊष्मा की समान मात्रा प्रदान की जाए तो प्रत्येक के ताप में वृद्धि भिन्न भिन्न होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो सभी द्रवों एवं ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है पानी की। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा के संचरण की तीनों विधियों को न्यूनतम रखा जाता है।
फिर आप सुनते हैं लेटेंट हीट, जिसे आप लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा की वह मात्रा जो इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थों के तापक्रम में परिवर्तन में प्रयुक्त होता है, उस पदार्थ की उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। अगर गुप्त ऊष्मा के एसआई मात्रक की बात करें तो इसे जूल प्रति किलोग्राम है इसका मात्रक, एसआई मात्रक। बर्फ की गुप्त ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा की वह मात्रा जो डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जल में परिवर्तन करने में खर्च होता है तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसका मान आपका 80 कैलोरी ग्राम होता है। कितना? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं हम लोग। इसके मान की बात करें तो इसका मान होता है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। कितना? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। पीसी तक इसमें वाष्पीकरण के द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। तांबे की एक वाष्पन कुंडली में फियोन भरा होता है जो वाष्पीकृत होकर ठंडक उत्पन्न करता है। वातानुकूलन इसे आप लोग एयर कंडीशनर भी कहते हैं। इसके द्वारा किसी बंद स्थान का तापमान और आर्द्रता नियंत्रित किया जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का ताप तथा 50% अपेक्षित आर्द्रता मनुष्य के लिए आरामदेह समझा जाता है। कितना? अगर आपने नई नई एसी खरीदी हुई है तो इस तरह का टेम्परेचर आप रख सकते हैं। ठीक है। वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तु के सामान क्वथनांक से कम ताप पर तरल अवस्था से गैस अवस्था में बदलती है। आप देखते होंगे जब पानी भरा रहता है तो ताप बढ़ता है तो वहाँ का पानी उड़ जाता है वाष्प के रूप में। निरपेक्ष आर्द्रता किसी स्थान की निरपेक्ष आर्द्रता वायुमंडलीय ताप पर 1 घन मीटर वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा है। फिर आपकी अपेक्षित आर्द्रता किसी ताप पर वायु की अपेक्षित आर्द्रता वायु के किसी आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा तथा वायु के उस आयतन को उसी ताप पर संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा का अनुपात होता है, जिसे हम लोग प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। किसमें? प्रतिशत में। अगर m जल वाष्प की मात्रा, m कैपिटल m उसी ताप पर संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल की मात्रा हो तो इसे अपेक्षित आर्द्रता को निकाल सकते हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल m इंटू 100%। ठीक है। हाइग्रोमीटर, ये आपका क्वेश्चन कई बार बन चुका है। हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं न्यूटन का शीतलन नियम। इस नियम के अनुसार समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती, किसके अनुक्रमानुपाती होता है तापांतर के। फिर आपका आगे, अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती है उसके ठंडे होने की दर कम होती जाती है। जूल थॉमसन प्रभाव, ये क्या है? जूल थॉमसन प्रभाव। यदि किसी गैस के प्रभाव को किसी दबाव के अंदर किसी छिद्रयुक्त माध्यम में मुक्त रूप से फैलने दिया जाए तो गैस के तापक्रम में आए अंदर को हम लोग जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं। फिर आपने सुना है किरचॉफ का ताप नियम। क्या? किरचॉफ का ताप नियम। किसी विकिरण के लिए ऊष्मा का शोषक उसी विकिरण के लिए अच्छा उत्सर्जक भी होता है। इसी कारण काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकती है। आपको देखा होगा आपने। पूर्ण कृष्ण पिंड, यदि कोई वस्तु संपूर्ण आपतित ऊष्मीय विकिरण को उतने ही समय में अवशोषित कर लेती है तो उस वस्तु को पूर्ण पिंड कृष्ण पिंड कहते हैं। इसकी अवशोषण क्षमता की बात करें तो एक होती है। लैंप ब्लैक और दीप्त के कागजल को पूर्णतः कृष्ण पिंड कहा जा सकता है। फिर आपने सुना है ऊष्मा इंजन, यह ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र होता है आपका। ऊष्मा इंजन को दो प्रकार में बांटते हैं। एक बहिर्दहन इंजन जैसे वाष्प इंजन, इसकी क्षमता आपकी 10 से 20% तक होती है। आंतरिक दहन,
इसके उदाहरण ले सकते हैं आप लोग डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन आदि। इसकी क्षमता आपकी 25% से 35% तक देखते हैं। ऊष्मा गतिकी, इसका ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, यदि यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाए तो किया गया कार्य उसके में उससे उत्पन्न ऊष्मा के तुल्य होता है। प्रथम नियम ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत भी कहलाता है, याद रखिए। इसमें एक बात हमेशा याद रखिए, मैं आपका इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट इसलिए लगा लीजिए क्योंकि किताब आप लोग 10 पढ़ लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि फिर भी आपको लगता होगा कि क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। आप किताब एक पढ़िए और क्वेश्चंस उसके बदले 1000 2000 जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकें, जितने अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उन्हें सॉल्व करने की स्थिति समझिए। आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं। यहाँ तो हम लोग एक विस्तार से पढ़ते जा रहे हैं और छोड़ते जा रहे हैं, अगर आपको पता ही ना चले कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाएगा तो शायद आप लोग सॉल्व करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। क्यू बराबर यू प्लस डब्ल्यू, क्यू यहाँ ऊष्मा का परिमाण है, यू या यांत्रिक ऊर्जा है और डब्ल्यू किया गया कार्य है। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक यदि डब्ल्यू कार्य के कारण एच ऊष्मा उत्पन्न होती है तो जे एच, जहाँ जे आपका ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है और इसका मान होता है 4.186 जूल प्रति कैलोरी, अर्थात 4.146 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होती है। कितनी? 1 कैलोरी होती है। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम देखें हम लोग, तो यह है नियमन नियम, ऊष्मा की प्रभावित होने की दिशा को बताता है। इस नियम को दो कथनों में व्यक्त किया जाता है। केल्विन प्लैंक का कथन, ऊष्मा का पूर्णता कार्य में परिवर्तन संभव नहीं है। क्लॉसियस का कथन, ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रभावित नहीं हो सकती है। ऊष्मा का द्वितीय गति का नियम ऊष्मा के प्रवाह का दिशा बतलाता है आपका। फिर आपका ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम, किसी पदार्थ या फिर तंत्र के तापमान को परम शून्य तक नहीं घटाया जा सकता है। फिर आपने सुना है रुद्धोष्म विक्रम, किसी निकाय में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसकी पूरी प्रक्रिया के दौरान निकाय ना तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा दे और ना ही उससे कोई ऊष्मा ले, तो इस परिवर्तन को रुद्धोष्म विक्रम कहते हैं, यानी कि एक न्यूट्रल, ना तो किसी से कोई ले और ना किसी को दे। जैसे आप ले देख सकते हैं, शुष्क से बर्फ बनाने के लिए CO2 को अचानक प्रसारित किया जाता है जिससे वह ठंडी होकर बर्फ में बदल जाती है। समतापीय परिवर्तन, किसी निकाय में परिवर्तन इस प्रकार से हो कि पूरे प्रक्रम में ताप स्थिर रहे और समतापीय परिवर्तन कहलाता है। बर्फ से आपका जल बनना इसका उदाहरण हो सकता है। जल का त्रिक बिंदु, यानी कि तीनों अवस्थाओं में पाया जाए, जहाँ जल वाष्प जल बर्फ तीनों में, वह निश्चित दबाव एवं तापक्रम जिस पर जल वाष्प जल बर्फ तीनों साम अवस्थाओं में पाया जाए उसकी बात कर रहा हूँ। यह तापक्रम आपका 273.16 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, जल के विशिष्ट गुण की बात करें इनमें, तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, अर्थात इस तापक्रम पर इसका आयतन न्यूनतम होता है। जल का 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म करने पर उसका आयतन घटने लगता है, परंतु 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका आयतन बढ़ने लगता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन घटता है। जल जमने पर फैलता है, अर्थात उसका आयतन बढ़ता है। ये जल की गुण है, जिस तरह से आपके अंदर गुण अच्छाइयाँ होती हैं बुराइयाँ उसी तरह की बात की। लाइट प्रकाश, प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसके द्वारा हमें वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। वास्तव में प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी अनुभूति हमें आँखों द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? आँखों के। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ये आपके माध्यम हो गए, ये चाल हो गई। जैसे निर्वात, इसमें आपकी चाल होगी 3.00 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड,
पानी में आपकी 2.25 × 10⁻¹⁰ कांच में इसी तरह आप 0.00 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तारबीन के तेल में देख सकते हैं 2.04 × 10⁸ मीटर सेकेंड। नाइलॉन में आप 1.96 × 10⁸ मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड देख सकते हैं। रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁻¹⁰ मीटर सेकेंड में, ठीक है। माइनस बड़ा याद आता है, हर जगह माइनस बोल देता हूँ। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में आपका औसत 500 सेकेंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ये भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। वैसे तो हम लोग भूगोल में भी इसके बारे में बात कर चुके थे, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 500 सेकंड या फिर 8 मिनट 20 सेकंड, जो भी आपका ऑप्शन में दिया हो उसी पर आप लोग लगाइए। प्रकाश की उत्पत्ति के मुख्य सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो कणिका सिद्धांत न्यूटन, तरंग सिद्धांत हाइजीन, फोटोन सिद्धांत आइंस्टीन। कणिका सिद्धांत किससे संबंधित है, न्यूटन साहब से। तरंग सिद्धांत हाइजीन से संबंधित, फोटोन सिद्धांत आइंस्टीन से। आइंस्टीन के फोटोन सिद्धांत की पुष्टि 1921 में कॉम्पटन ने की थी, किसने, कॉम्पटन ने। विकास का फोटोन सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार विकास ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या फिर पैकेटों के रूप में चलता है जिन्हें हम लोग फोटोन कहते हैं। विज्ञान में प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है, इसी को विकास की दूरी प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी प्रकृति। विकास के वेग की गणना सबसे पहले रोमर साहब ने की थी, किसने, रोमर साहब ने। वायु तथा निर्वात में विकास की चाल सबसे अधिक देखी जाती है, वायु तथा निर्वात में विकास की चाल सबसे ज़्यादा देखी जाती है। विकास की चाल माध्यम की अपवर्तनांक यानी कि म्यू पर निर्भर करती है, जिस माध्यम द्वारा अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें विकास की चाल उतनी ही कम होती है, क्या होती है, उतनी ही कम होती है। इसका सूत्र है U = C/μ, जहाँ U आपका माध्यम में विकास की चाल है, C आपका निर्वात में विकास की चाल है। विकास तरंगें, यह अनुप्रस्थ एवं विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, यह अनुप्रस्थ एवं विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं आपकी। प्रकाश की तीव्रता के आधार पर वस्तुओं के निम्न भाग किए जाते हैं, विदीप्त वस्तुएँ। विदीप्त वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जो अपने स्वयं के विकास से विकासित होती हैं, जैसे सूर्य, विद्युत, बल्ब आदि। आपदीप्त वस्तुएं, आपदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका अपना स्वयं का विकास नहीं होता है, लेकिन उन पर विकास डालने पर वे दिखाई देने लगती हैं, जैसे मेज, किताब, कुर्सी, ठीक है। अपारदर्शक वस्तुओं की बात करें तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर विकास की किरणें पड़ने से विकास का कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग निकल जाता है, जैसे तेल लगा हुआ कागज। पारदर्शक क्या है, पारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें होकर विकास की किरणें बाहर निकल जाती हैं, जैसे आप कांच देख सकते हैं। अपारदर्शक वस्तुएं वे होती हैं जिनमें होकर विकास की किरणें बाहर नहीं निकल पाती हैं, जैसे आप लोग इसमें धातुएं ले सकते हैं, क्या, धातुएं। विकास का विकिरण क्या है, विकास का विकिरण, जब विकास किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल अथवा अन्य पदार्थों के आयतन अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा विकास सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, तो वह विकास का विकिरण कहलाता है। बैंगनी रंग के विकास का विकिरण सबसे अधिक होता है और लाल रंग के विकास का विकिरण सबसे कम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विकास का विकिरण सबसे अधिक किसका होता है और सबसे कम किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का और सबसे कम आपका देखने को मिलेगा लाल रंग में, ठीक है, किसमें, लाल रंग में। आकाश का रंग नीला विकास के विकिरण के कारण ही आपको दिखाई देता है। विकास का परावर्तन, जब विकास किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौटता है तो उसे हम लोग विकास का परावर्तन यानी कि वापस लौटने की घटना होती है। विकास का परावर्तन निम्न दो नियमों के अनुसार होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और आपतित बिंदु पर अभिलंब तीनों ही तल में होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें आई आपतन कोण
और आर आपका परावर्तन कोण हो, इस तरह से आपका हो सकता है। ठीक है, ये आपका विकास का परावर्तन, एम एम डैश, एक केंद्र हो गया आपतन बिंदु, ये आपका आपतित किरण है, ये परावर्तन किरण है, आपतन कोण हो गया इसका, ये परावर्तन कोण हो गया, परावर्तित किरण अभिलंब एन। समतल दर्पण विकास का सबसे अच्छा कैसा है, परावर्तक है, कौन सा, समतल दर्पण। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है, यह प्रतिबिंब आभासी होता है तथा वस्तु के बराबर होता है, कैसा, यह प्रतिबिंब आभासी होता है और वस्तु के बराबर होता है। पार्श्व उत्क्रमण, समतल दर्पण में देखने से यहाँ हमारा दाया हाथ प्रतिबिंब का बाया हाथ तथा हमारा बाया हाथ हाथ प्रतिबिंब का दाया हाथ दिखाई पड़ता है, यानी कि उल्टा, इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण। दर्पण वह पदार्थ निश्चित नियम के अनुसार जो आपतित किरण का कम से कम 98%, कितना, 98% परावर्तित करता है, दर्पण कहलाता है, क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो प्रतिबिंब उसे टू भी चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि दुगना। यदि कोई वस्तु दर्पण को, दर्पण जो कि जीरो यानी इसे आप लोग क्या कहते हैं, थीटा के कोण पर झुके हुए हों के बीच में रखी जाए तो कुल एन बराबर 360 अपॉन थीटा माइनस वन प्रतिबिंब बनेंगे, जब 360 अपॉन थीटा यौगिक संख्या है। इसी तरह से आप एन बराबर 360 अपॉन थीटा या जब 360 अपॉन थीटा रूढ़ संख्या हो तब, जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होती है तो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं, क्या कह देते हैं, समतल दर्पण। समतल कोण पर झुके दो दर्पण के बीच रखे वस्तु के तीन प्रतिबिंब बनते हैं, दो समानांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु के अनंत असंख्य प्रतिबिंब बनते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोल का एक भाग होता है जिसकी एक सतह भीतरी या फिर बाहरी पॉलिशदार रहती है ताकि पेस्ट से प्रकाश का नियमित परावर्तन हो सके। गोलीय दर्पण निम्नांकित दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, क्या है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल बात दर्पण की बात करें तो ऊपरी सतह पर पॉलिश या फिर कलई चढ़ा दी जाती है ताकि अंदर वाली सतह से विकास का नियमित परावर्तन हो सके, यानी कि लौट सके। इस दर्पण का वक्रता केंद्र सी परावर्तक सतह के सामने होता है, ये आप चित्र देख रहे होंगे अवतल दर्पण का, ठीक है। फिर आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में भीतर वाली सतह पर पॉलिश या कलई चढ़ा दी जाती है ताकि ऊपरी सतह से विकास का नियमित परावर्तन हो सके, इस तरह से उत्तल दर्पण। इस दर्पण का वक्रता केंद्र सी परावर्तक सतह के पीछे होता है, दोनों दर्पण की परावर्तक सतहों के बीच प्रत्येक भाग से विकास का परावर्तन और परावर्तन के नियमानुसार ही होता है। गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं हैं, इन्हें भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। ध्रुव, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। वक्रता त्रिज्या, क्या, वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, यह उस गोले की त्रिज्या है जिसका गोलीय दर्पण एक भाग है, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक सरल रेखा को गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष कहा जाता है, क्या, प्रधान अक्ष कहा जाता है। फोकस, क्या है, फोकस,
गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह पर पिधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद पिधान अक्ष के जिस बिंदु पर संक्षिप्त या फिर अभिसारित होती हैं, अवतल दर्पण की या फिर जिस बिंदु से अपसृत अपसारित होती हैं हुई पतित होती हैं। उत्तल दर्पण के लिए उस बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है। फोकस दूरी, ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को हम लोग गोलीय दर्पण की फोकस दूरी या फिर फोकसांतर कहा जाता है। फोकस बल तल, फोकस तल गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के लंबवत तथा फोकस से गुजरने वाली काल्पनिक समतल समतल को गोलीय दर्पण का फोकस तल कहा जाता है। द्वारक, गोलीय दर्पण की परावर्तक पेस्ट की कोर से बनने वाले बेड के व्यास को गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। फिर आपका प्रधान या फिर मुख काट, किसी गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष से गुजरने वाली तल द्वारा दर्पण की जो काट प्राप्त होती है उसे हम लोग उस दर्पण का प्रधान या मुख काट कहा जाता है। चित्रों में दर्पण को उसकी प्रधान काट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये दिया गया है गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखी वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। अवतल दर्पण के कारण बने प्रतिबिंबों के लिए वस्तु की स्थिति हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, ये प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई। ठीक है, वस्तु की स्थिति की बात करें तो अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर, और प्रतिबिंब की प्रकृति ये वास्तविक उल्टा तथा विस्तार में अत्यंत छोटा बिंदु मात्र जैसा। फिर अनंत एवं वक्ता केंद्र के बीच, तो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी फोकस एवं वक्ता केंद्र के बीच, इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति रहेगी वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। फिर आपके वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र पर ये भी वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर। वक्ता केंद्र एवं फोकस के बीच, तो ये प्रतिबिंब की स्थिति इसमें रहेगी वक्ता केंद्र एवं अनंत के बीच, इसमें प्रकृति रहेगी इसकी वास्तविक वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। फिर फोकस पर, ये अनंत पर, और इसमें प्रकृति रहेगी वास्तविक उल्टा तथा वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा। फोकस एवं ध्रुव के बीच, दर्पण के पीछे इसकी प्रतिबिंब और प्रकृति रहेगी आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। ध्रुव पर, ये भी ध्रुव पर आभासी सीधा और वस्तु के बराबर ही रहेगा प्रकृति इसकी। ठीक है, फिर आपका उत्तल दर्पण के कारण बने प्रतिबिंबों के लिए बात करें अगर हम लोग, तो ये वस्तु की स्थिति हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति हो गई और प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई। अनंत पर, फोकस पर आभासी सीधा और आकार में बिंदु मात्र, अनंत एवं ध्रुव के बीच, तो इस पर फोकस एवं ध्रुवों के बीच बनेगी स्थिति इसकी, ये आभासी सीधा और वस्तु से छोटा दिखाई देगा। ध्रुवों पर, ये भी ध्रुवों पर, प्रतिबिंब की स्थिति भी ध्रुवों पर, ध्रुव पर और आभासी सीधा और वस्तु के बराबर होगा इसकी प्रकृति। दर्पण का आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की, फोकस दूरी का सूत्र बात करें अगर हम लोग, तो ये आपका 1/f बराबर 1/b 1/u। यहाँ u आपका वस्तु की दर्पण से दूरी हो गई, भी यहाँ प्रतिबिंब की दर्पण की दूरी हो गई, और f जो है आपका दर्पण की फोकस दूरी हो गई है। उपयोग की बात करें हम लोग, तो आपके क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। उपयोग से, जो आपका अवतल दर्पण है, क्या अवतल दर्पण है, ये आपका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है इसका उपयोग? सोलर कुकर में परावर्तन, दूरबीन, सर्च लाइट, हेडलाइट, टॉर्च, रोगियों के कान नाक गला इत्यादि की जांच, अधिक वक्ता त्रिज्या के दर्पण का प्रयोग, हजामती दर्पण के रूम में होता है। उत्तल दर्पण की बात करें तो मोटर गाड़ी के जो साइड में लगा दर्पण होता है, पीछे आप लोग देखते हैं, उसी में उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण के बारे में याद रखिए, ये आपके स्वास्थ्य में जो डॉक्टर होते हैं वो भी प्रयोग करते हैं, कान नाक गला इत्यादि की जांच करने के लिए। जो आप हजामती, जहाँ आप सेविंग करवाते हैं, बाल कटवाते हैं, वहाँ भी इसका उपयोग होता है। हेडलाइट में भी, सामने जो आपकी लाइट होती है हेडलाइट, उसमें भी प्रयोग होता है। सोलर कुकर, परावर्तन, दूरबीन और उत्तल दर्पण का आप याद रखिए, मोटर गाड़ी के साइड में जो पीछे लगा दर्पण, पीछे की गाड़ियाँ देखने के लिए होता है ना, उसी को, उसी में यूज किया जाता है इसका। ये आपके दर्पण है, याद रखिए। आप चलते हैं हम लोग लेंस की तरफ।
अभिसारी सिरों पर पतला और बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस इस तरह से। ये है आपका उत्तल लेंस। अवतल लेंस की बात अगर हम लोग करें तो अवतल लेंस बीच में पतला होता है, ये आपका अवतल लेंस। लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस, किसी लेंस की बहुत फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसकी क्षमता कहलाता है। अतः क्षमता P बराबर अपॉन F, डायरेक्टर से इसकी क्षमता मापी जाती है। आपको पहले भी बता चुका हूँ लेंस की क्षमता किससे मापते हैं, डायरेक्टर से, ठीक है। यदि F क्या, यदि F फोकस मीटर में हो तो क्षमता इसकी डायरेक्टर कहलाती है। 1 मीटर फोकस की दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायरेक्टर होती है। नोट, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक है, इसे याद रखना। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी है, धनात्मक, और जो अवतल लेंस है इसकी क्षमता आपकी ऋणात्मक है। लेंस का सूत्र 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U लेंस का आवर्धन या m है। वी आपका प्रतिबिंब की दूरी हो गई और बिंब, u आपका बिंब की दूरी। प्रतिबिंब, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक होता है। उत्तल जो लेंस है इसका प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक बनता है। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, ये वस्तु की स्थिति हो गई, ये आपकी प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं वस्तु की तुलना में आकार। अनंत पर, ये आपका F2 पर बनता है, ये वास्तविक और बहुत छोटा और उल्टा बनता है। C1 से परे F2 और C2 के बीच बनता है, वास्तविक छोटा और उल्टा। C1 पर C2 पर वास्तविक बराबर उल्टा। C1 और F1 के बीच C2 से परे वास्तविक बड़ा उल्टा। F1 पर अनंत पर वास्तविक बहुत बड़ा उल्टा। C1 और F1 के बीच लेंस की उसी ओर जिस ओर वस्तु है आभासी सीधा और आवर्धित बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अवतल लेंस की। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, इसे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। ये सदैव उल्टे होते हैं, ये दर्पण के आगे बनते हैं। ये सभी आपके वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर रहा हूँ, और आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, ये सदैव नीचे होते हैं, ये दर्पण के पीछे बनते हैं आपके। ये आपका है वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर अवतल लेंस में। अब बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय उसकी दोनों माध्यम की सीमा पर अपने रेखीय पथ से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन की अगर नियम की बात करें हम लोग तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों ही समतल में स्थित होते हैं। आपतन कोण की त्रिज्या तथा आपतन कोण की ज्या का अनुपात एक नेतांक होता है, अर्थात sin I और sin R। ये आपका म्यू है नेतांक, I आपका आपतन कोण हो गया और आपका अपवर्तन कोण हो गया। इसे आप लोग एक नाम से और जानते हैं, स्नेल का नियम, ये क्वेश्चंस में आपका बनता रहता है, ठीक है, याद रखिए। क्या बनेगा क्वेश्चन आपसे, अपवर्तन के नियम का एक दूसरा नाम है स्नेल का नियम, या स्नेल के नियम को एक अन्य नाम से जानते हैं अपवर्तन का नियम। जब प्रकाश का की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये आप देख रहे होंगे विरल माध्यम, सघन माध्यम, ओ केंद्र, आई या कोण, आर कोण। जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश के अपवर्तन के अगर उदाहरणों की बात करें हम लोग तो आपने देखा होगा पानी में पड़ी हुई कोई लकड़ी बाहर से तिरछी दिखाई देती है। रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, जल के अंदर पड़ी मछली अपनी वास्तविक गहराई से कुछ उठी हुई दिखाई देती है। याद रखिए ये उदाहरण आपको दे देंगे और पूछ देंगे कि किस कारण होता है, तो आपको बताना है अब
विकास के अपवर्तन के कारण ये घटनाएं घटती है। अब बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब कोई विकास की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री कितना 90 डिग्री हो तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अपवर्तनांक म्यू बराबर 1/sin c, साइन सी बराबर 1/μ, जहाँ आपका सी क्रांतिक कोण है। क्या है? क्रांतिक कोण है सी। ठीक है, यदि यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है हुई आपतित किरण दोनों माध्यमों के सीमा पेस्ट पर इस प्रकार आपतित हो कि आयतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो इस अवस्था में अपवर्तित किरण पुनः सघन माध्यम में लौट जाती है, अर्थात आपतित किरणें किरण परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो हीरे का चमकना हो गया, रेगिस्तान में मरीच का कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना, पेशांत तंतु विकास तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करती है, पानी में हवा भरे बुलबुले चमकते हैं, इन्हीं के उदाहरण हैं आपके। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के मरीचिका विरल सघन। विकास का वर्ण विक्षेपण, श्वेत विकास का किसी प्रिज्म से होकर गुजरने पर सात रंगों का किरणों में टूटना विकास का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये कौन कौन से रंग होते हैं? ये रंग कई बार पूछ लिए गए कि विकास का वर्ण विक्षेपण होने में कितने प्रिज्म से होकर कितने रंग दिखाई देते हैं गुजरने पर। सो सात रंग हैं, कौन सा? विग गेवर यानी कि बैगनी, आई से जमुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसे आप लोग अपने हिसाब से किसी भी तरह से याद रख सकते हैं। सबसे अधिक विक्षेपण आपके बैगनी रंग में देखने को मिलता है और सबसे कम लाल रंग में। सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग में देखने को मिलता है? बैगनी रंग में। और सबसे आपका कम लाल रंग में। इन सात रंगों को दृश्य विकास कहते हैं। इनका तरंग दैर्ध्य आपका 4000 से 4001 बीच होता है। ये देख रहे हैं आप लोग प्रिज्म, वाइट लाइट, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडियो और वायलेट। परिक्षेपण के कारण हम इंद्रधनुष में भी देख सकते हैं। इंद्रधनुष आप बादल के समय देखते हैं ना, बरसात के समय, उसी की बात की जा रही है। इंद्रधनुष का निर्माण विकास की तीन प्रक्रियाओं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के परिणाम ही है इंद्रधनुष। विकास के विकिरण के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। ये भी कई बार पूछ लिया गया है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? विकास के विकिरण के कारण। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। विकास का व्यतीकरण क्या है? दो स्रोतों से तरंग के निकलने के कारण विकास का पुनः वितरण विकास का व्यतीकरण कहलाता है। जैसे न्यूटन का वलय तथा साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना विकास का एक तरंग या व्यतीकरण द्वारा ही सिद्ध होता है। विकास का विवर्तन किसी अवरोध के कारण विकास का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। किसी भी रंग के विवर्तन प्रभाव तरंग दैर्ध्य की तुलना में अवरोधक के साइज पर निर्भर करते हैं। जब अवरोधक का साइज तरंग दैर्ध्य की कोटि का होता है तब विवर्तन के प्रभाव अधिक स्पष्ट होते हैं। इस घटना की व्याख्या विकास के तरंग सिद्धांत पर की जाती है। विकास व्यतीकरण की तरह विवर्तन भी एक तरह की घटना है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, मुझे लगता है कि आप लोग टेस्ट सीरीज लगाएं, जितना से जितना हो सके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसे पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। उसे पढ़ने के बाद शायद आप लोग, और वैसे भी आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है 1000 क्वेश्चन की सीरीज और उसे सॉल्व भी करके पूरा बताया गया है वहाँ, तो उसे देख लें, अच्छी है। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। जब तक है जान तब तक है जहाँ, यानी कि जब तक मेरी औकात है
तब तक मैं फ्री देता रहूंगा, ठीक है। व्री वेस्टर द्वारा प्रतिपादित यह केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। विभिन्न दिशाओं में कंपन कर रहे तरंगों कणों का केवल एक दिशा में कंपन करने वाले कणों के रूप में एक बिंदु पर एकत्रित होना ध्रुवीकरण कहलाता है, और यह ध्रुवीकृत प्रकाश कहलाता है तथा इस घटना को ध्रुवण करते हैं, जैसे सूर्य का विकास। साधारण विकास में विकास की तरंग की कंपन विकास संचरण की दिशा में लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से होते हैं, जिन्हें आध्रुवित विकास कहते हैं, जैसे विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि से उत्सर्जित विकास की बात कर रहा हूँ। एक बात आप लोग याद रखिए, जिसे हंसी मजाक आता है ना, वो कभी 20 घंटे का लेक्चर, 25 घंटे का लेक्चर डाउनलोड करके अपलोड करिए, किसी को भी करवाइए। कितना टाइम लगता है इसे मैं ही जानता हूँ। अगर 19-20 घंटे का लेक्चर है तो कम से कम 18 से 20 GB का तो होगा, समझ रहे, HD में। और इसे कभी कभी, और आपने देखा है, कोई भी आप वाईफाई कनेक्शन ले लीजिए, 1 MB तक पर सेकंड, बहुत से बहुत 1 MB, मुझे नहीं लगता है 1 MB पर सेकंड अपलोडिंग देता है, क्योंकि कभी कभी तो 12 से 15 घंटे लग जाते हैं उसे अपलोड में, समझ रहे हैं, लैपटॉप बैठ जाता है, तो मेहनत तो लगती है। वितीकरण और विवर्तन में अगर अंतर की बात करें हम लोग, वितीकरण ये आपका विवर्तन हो गया। दो कला समृद्ध स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के अध्यारोपण से वितीकरण का प्रभाव उत्पन्न होता है। अगर विवर्तन की बात करें तो विवर्तन की एक घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से उत्सर्जित द्वितीय तरंगिकाओं के अध्यारोपण द्वारा उत्पन्न होता है। वितीकरण फिंजें समान एवं या फिर आसमान चौड़ाई की हो सकती हैं। विवर्तन पट्टियां कभी भी एक ही चौड़ाई की नहीं हो सकती हैं। वितीकरण क्षेत्र की सभी दीप्त फिरंजों की तीव्रता समान होती है। विवर्तन पैटर्न की दीप्त फिरंजें भिन्न तीव्रता की होती हैं। वितीकरण में न्यूनतम तीव्रता के क्षेत्र अर्थात अदीप्त फिरंजें पूर्णतः अदीप्त होती हैं। विवर्तन की न्यूनतम तीव्रता की पट्टियाँ पूर्णतः अदीप्त नहीं होती हैं। अब बात करते हैं कलर, किसके कलर। यह विकास का एक गुण है जो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से, प्राइमरी कलर लाल, हरा और नीला, ये आपके प्राथमिक रंग है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से प्राथमिक रंग हैं, ऑप्शन दे देगा, उसमें इन्हें भी दे देगा, आपके किसी तरह से बच सकते हैं, सिविल सर्विस में भी बन सकते हैं, स्टेट PCS में भी बन सकते हैं। इन तरंगों को उचित मात्रा में मिलाने से अन्य सभी रंग प्राप्त होते हैं, यानी कि इन्हीं रंगों के द्वारा अन्य रंग बनाए जाते हैं। अगर द्वितीय रंगों की बात करें, सेकेंडरी कलर, तो इसमें मैजेंटा, पीकॉक, नीला, ब्लू, पीला, ये दो प्राथमिक वर्णों रंगों के सहयोग से बनते हैं। जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग पूरक रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक रंग। रंगों का मिश्रण, नीले, हरे एवं लाल रंगों को परस्पर उपयुक्त मात्रा में मिलाकर अन्य रंग प्राप्त किए जा सकते हैं। इनको बराबर बराबर भागों में मिलाने से श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है, श्वेत सफेद प्रकाश उत्पन्न होता है। अवरक्त किरणें वर्ण विक्षेपण के पश्चात वर्ण पटल पर लाल रंग के ऊपर जो आदर्श प्रकाश की किरणें विद्यमान रहती हैं, उसे ही हम लोग अवरक्त किरणें कह देते हैं। इनका तरंग दैर्ध्य 7800, कितना, 7800 AC सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर होता है, कितना, 1 मिलीमीटर। फिर आपकी परावैग्नि किरणें क्या है, परावैग्नि किरणें वर्ण पट पर बैगनी रंग के नीचे स्थित किरणें परावैग्नि किरणें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? परावैग्नि किरणें कहलाती हैं। इनका तरंगदैर्ध्य की बात करें तो इसका तरंगदैर्ध्य आपको 100 AC अधिक और 4000 AC ए तक देखने को मिलेगा आपको, ठीक है।
कुछ विकिरण दिए गए हैं नीचे। तरंग लंबाई के बढ़ते हुए क्रम गामा, एक्स परावैगनी, दृश्य, अवरक्त, माइक्रो, रेडियो तरंग। आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में बात करें तो रेडियो, माइक्रो, अवरक्त, दृश्य, परावैगनी, एक्स और गामा इस तरह से बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। पितिदीप्त, पितिदीप्त वे पदार्थ जो कम तरंगदैर्ध्य की आपतित विकास की किरणों को अवशोषित कर लेते हैं और अधिक तरंगदैर्ध्य का विकास उत्सर्जित करते हैं, उसे हम लोग पितिदीप्त कहते हैं। फिर आपका स्फुरदीप्त, इसमें विकास उत्सर्जन विकिरण हटा लेने पर भी होता रहता है। पितिदीप्त के गुण से युक्त पदार्थ वेरियम और कैडमियम है। क्या, कौन कौन? वेरियम और कैडमियम। ठीक है, स्फुरदीप्त के गुण से युक्त पदार्थों की बात करें, रेडियम लाल, हरा, पीला, लाल नीला, मेजेंटा, हरा नीला, पीकॉक ब्लू, हरा मेजेंटा, सफ़ेद, लाल पीकॉक ब्लू, सफ़ेद, नीला पीला, ये भी सफ़ेद, मतलब इन रंगों को बनाकर ये उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंगों लाल हरे नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो आपने देखा होगा जो रंगीन टेलीविजन आते हैं, इसमें आपके कौन कौन से रंग होते हैं? लाल, हरे और नीले रंग का उपयोग करते हैं आप। ठीक है, मनुष्य की आंख का कारण, आंख देखने का काम करती है, इसे तो आप लोग जानते हैं। बाहर का विकास कॉर्निया से अपवर्तित होकर पुतली में होता हुआ लेंस पर पड़ता है, तब आपको जाकर दिखाई देता है। लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात किरणें रेटिना के पीत बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, जिसे रेटिना की संवेदनशील कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं जो दृक तंत्रिकाओं द्वारा हमारे मस्तिष्क में पहुँचते हैं। ये संकेत विकास के रूप में परिवर्तित होते हैं और आँख के लेंस से जुड़ी मांसपेशियों में तनाव के परिवर्तन होने से उनकी फोकस दूरी में भी परिवर्तन हो जाता है। तनाव के कम होने पर से लेंस पतला हो जाता है तथा दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तनाव अधिक होने से लेंस मोटा हो जाता है एवं निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। ये आपकी आँख है, देख लीजिए, देखा नहीं है तो देख लीजिए, ये आपकी रेटिना, ये आपका कोरोवा, प्रकाश, सिरा, पीत बिंदु, लेंस, कॉर्निया, नेत्र, तारा पुतली। प्रकृति ने भी बहुत कुछ दिया हमें, बताइए। आँख या नाक के ऊपर होने की वजह नीचे हो जाती, क्या फर्क पड़ता, समझ रहे हैं? पूरा व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है भगवान ने हमें, समझ रहे हैं? अब हाथ पीछे होते क्या फर्क पड़ता, लेकिन नहीं होते ना। आँख की स्पष्ट दूरी दृष्टि की दूरी, एक आँख से वह कम से कम दूरी जिस पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, वह हम लोग स्पष्ट दूरी दृष्टि की दूरी कहते हैं। एक सामान्य आँख के लिए यह दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु आप साथ देख सकते हैं। सामान्यतः ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है, एक सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु, वह बिंदु जहाँ तक मानवीय आंखें स्पष्ट देख सकती हैं वह दूर बिंदु कहलाता है। एक समान आग के लिए यह बिंदु अनंत पर स्थित होता है, कहीं तक भी। निकट बिंदु की बात करें तो वह बिंदु जहाँ तक मानवीय आंखें स्पष्ट रूप से देख सकती हैं वह निकट बिंदु कहलाता है, नियर पॉइंट। एक आँख सामान्यतः आँख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, दृष्टि दोष, इससे आपके क्वेश्चन आते रहते हैं।
निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तुओं को दिखाई देना पर दूर की वस्तुओं में स्पष्ट नहीं दिखाई देना। निकट शब्द जुड़ा हो तो आप समझिए कि निकट की वस्तुएं तो इसमें दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ये आपको दिखेगा, ये दो से एक आँख हो गई और एक सामान्य आँख हो गई, ये क्या हो गई, सामान्य आँख हो गई। ठीक है, कारण की बात करें, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, इस कारण दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता का बढ़ जाना, इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के बीच आगे बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे कि निकट दृष्टि दोष में को सही करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किस लेंस का, तो यह आपका अवतल। याद रखिए इस पॉइंट को, इसी से क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा गया है अभी तक, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। फिर आपका दूर दृष्टि दोष, निकट की वस्तुएं वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखना और दूर की वस्तुओं को देखना, इसका एक सामान सा नजरिया है कि इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है लेकिन दूर की वस्तु उसे स्पष्ट दिखती है। ये अनंत बिंदु पर सामान्य आँख हो गई, ये दोष युक्त आँख हो गई। अगर इसके कारणों की बात करें तो नेत्र गोलक का छोटा होना, नेत्र लेंस का पतला होना अर्थात नेत्र की फोकस दूरी अधिक होना, प्रतिबिंब की का रेटिना से पीछे बढ़ना। इसे सही करने के लिए दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, किस लेंस का, उत्तल का। निकट दृष्टि दोष के लिए उपचार है आपका अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष के लिए उपचार है आपका उत्तल लेंस। फिर आपका जरा दृष्टि दोष, ना तो निकट और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख पाते हैं दोष में, ना तो निकट की और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख पाते हैं। कारण क्या है, नेत्र लेंस की प्रत्यास्थता समाप्त होना, उपचार है इसका वाई फोकल लेंस का उपयोग करना। बाई फोकस लेंस क्या है, फोकल लेंस ऊपरी आधा भाग अवतल का और निचला भाग उत्तल का, यानी कि दोनों लेंसों का उपयोग प्रयोग करके इसका उपचार किया जा सकता है। आँख के रंग से मतलब आयरिस के रंग से होता है, जब आँख में धूल जाती है तब उसका नेत्र कंजंक्टिव अंग सूज जाता है और लाल हो जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरबीन में दो उत्तल लेंस तथा गैलीलियो दूरबीन में एक उत्तल और एक अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। आबिंदुकता, इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता है, इसका उपचार क्या है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग इसका उपचार है। नेत्र लेंस द्वारा वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, रेटिना बहुत ही प्रकाश सुग्राही होती है और यह दो प्रकार के तंत्रिका तंतुओं छड़ और शंकु में से भरी होती है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर है। नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस, वस्तुओं के रंग का तरंग सिद्धांत, अपारदर्शक वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को कुछ भाग परावर्तित हो जाते हैं, प्रकाश का जो भाग या रंग परावर्तित होता है अपारदर्शक वस्तु उसी रंग की दिखाई पड़ती है, शेष रंग उस वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाता है। अतः कोई वस्तु काली तब दिखाई देती है जब वह प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, सफ़ेद तब दिखाई देता है जब वह प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित यानी कि वापस भेज देती है। ठीक है, लाल चश्मे से हरी काली नज़र आती है, हरी पत्ती आपको काली नज़र आती है, क्यों, क्योंकि लाल चश्मा हरे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब आपकी सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है जबकि दूरदर्शी होता है इसका प्रयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इसके नाम से आप लोग इतना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इतना तो अंदाज़ा लगाया करिएगा, कॉमन सेंस भी होता है। सूक्ष्म मतलब छोटा, दूर मतलब दूरदर्शी, यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी हो गया और छोटी वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी कि छोटा देखने के लिए हो गया। फिर आपका सरल सूक्ष्मदर्शी,
यह कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्पण कोण का निर्भर पर निर्भर करता है। यह फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर। फिर आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसमें एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है वह अभिदर्शक लेंस होता है, तथा जो लेंस प्रेक्षक की आँख के पास होता है वह नेत्रिका कहलाता है। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक कम एवं अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक बड़े होते हैं। दूरदर्शी टेलीस्कोप, इसमें दो लेंस होते हैं। क्या होते हैं? दो लेंस होते हैं। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। अभिदर्शक लेंस अधिक द्वारक होता है, जिसे यह दूर से आने वाली प्रकाश की अधिक मात्रा को एकत्रित करता है। अभिदर्शक वस्तु की ओर होता है, तथा अभिनेत्र लेंस प्रेक्षक की आँख के पास होता है। कीड़ों, कवक या फिर पौधों का प्रकाश स्रोत और गमन प्रकाशानुवर्ती कहलाता है। अब बात करते हैं विद्युत धारा, यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वैभव, पोटेंशियल। इकाई धनावेश को किसी बिंदु पर अनंत से लाने में संपन्न कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। इसका अगर ऐसा ही मात्रक देखें हम लोग तो वोल्ट है, इसे भी से व्यक्त करते हैं। वैभव एक आपकी अदिश राशि है। वैभव आपकी कैसी राशि है? अदिश या सदिश? अदिश राशि। वोल्ट एक कूलम्ब के आवेश को यदि किसी वस्तु तक लाने में एक जूल का कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का वैभव एक वोल्ट कहलाता है। वैभवांतर, दो बिंदुओं के बीच के वैभव का अंतर वैभवांतर कहलाता है आपका। इसका मात्रक भी वोल्ट ही होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। कार्य बराबर वैभव इंटू आवेश, जूल, वोल्ट इंटू कूलम। विद्युत धारा वैभवांतर के अधीन आवेश के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, अर्थात विद्युत धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है आपकी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक की बात करें तो एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। एम्पियर बराबर कूलम प्रति सेकंड। फिर आपका चालक, जिन पदार्थों से होकर आवेश आसानी से प्रभावित हो जाता है वे पदार्थ विद्युत के चालक कहलाते हैं। जैसे आपका चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। आपने देखा होगा विद्युत जो भी इस तरह के सामान होते हैं, मशीनें होती हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं धातुओं का प्रयोग किया जाता है। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। चांदी आपकी महंगी होती है इसलिए इसका प्रयोग ना करके एल्यूमिनियम और तांबे का करते हैं। चांदी सबसे अच्छा चालक है। क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी ही है आपका। आचालक, जिन पदार्थों से ऊपर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें आचालक कहते हैं। जैसे आपका लकड़ी, रगड़, रबड़, कांच, समझ रहे हैं? इसमें आप लोग अगर सोचिए कि तांबे के तार को अगर आप विद्युत में लगाएं तो आपको करंट लगेगा। चेक मत करना, फिर मालूम चला कि चल बसे, ठीक है? आचालक। इसमें लकड़ी की, अगर लकड़ी से हम अगर छुएंगे, गीली लकड़ी भी मत यूज कर लेना, फिर मालूम चला कि लग गया करंट। रबड़, कांच, इसमें करंट नहीं दौड़ता है। विद्युत परिपथ, ऐसी व्यवस्था जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दृष्ट धारा डीसी, वह धारा जिसकी दिशा हमेशा एक समान हो दृष्ट धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? दृष्ट धारा। प्रत्यावर्ती और दृष्ट, प्रत्यावर्ती धारा एसी, जब किसी खास समय तक धारा एक दिशा में और उतने ही समय तक विपरीत दिशा में बारी बारी से प्रभावित होती है। अमीटर, इस युक्ति के द्वारा विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है। यह परिपथ में सरणी क्रम में जोड़ा हो जाता है। अमीटर एक अत्यंत उच्च प्रतिरोध युक्त गैल्वेनोमीटर होता है। यह परिपथ में सरणी क्रम में जुड़ा रहता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? शून्य। यह अत्यंत उच्च प्रतिरोध युक्त गैल्वेनोमीटर है और यह परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़ा रहता है। वोल्टमीटर, इस युक्ति की सहायता से परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप की जाती है। विभवांतर की माप की जाती है। इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। कितना?
अनंत होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। संट या एक अत्यंत कम प्रतिरोध का तार होता है संट। इसे गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में जोड़कर गैल्वेनोमीटर का परास बढ़ाया जाता है। फिर आप सुनते हैं प्रतिरोध, चालक का वह गुण जो विद्युत धारा की प्रवाह का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। आप भी अपने दैनिक जीवनचर्या में इस शब्द का यूज नहीं करते हैं कि कोई प्रतिरोध कर रहा है, आपका विरोध कर रहा है, यानी कि प्रतिरोध कर रहा है। ठीक है। किसी पदार्थ की इकाई परिच्छेद वाली इकाई लंबाई के खंड के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहते हैं। इसके प्रतिलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। 1 वोल्ट विभवांतर वाले परिपथ से यदि 1 एम्पियर की धारा प्रभावित हो तो उस परिपथ का प्रतिरोध 1 ओम होता है। क्या होता है? 1 ओम होता है। ओम का नियम, यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा की अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर वी वोल्ट हो तथा उसमें प्रभावित धारा आई एम्पियर हो तो ओम के अनुसार नियमानुसार भी अनुक्रमानुपाती आई, यहाँ भी आपका बराबर आर आई, जहाँ आर आपका नेतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। पदार्थ द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता का की माप को विद्युत चालकता कहते हैं। पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता को क्या क्षमता की माप को क्या कहते हैं? विद्युत चालकता। इसका मात्रक म्यू है। क्या है? म्यू। दृष्टकारी या फिर रेक्टिफायर ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा एसी को दृष्ट धारा में बदलने का कार्य करती है। यानी याद रखिए, दृष्टकारी रेक्टिफायर कैसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा एसी को दृष्ट धारा यानी कि डीसी में बदलने का कार्य करता है। अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप घटाने पर इनकी चालकता घटती है। धारावाहक चालक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिनसे विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित हो जाए, जैसे चांदी तांबा। धारावाहक तार न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल। विद्युत तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को संयोजन कहते हैं। एसी परिपथ में एसी वोल्ट मीटर या विद्युत धारा का RMS मान रोट मीन्स स्क्वायर वैल्यू प्रदर्शित करता है। कुछ सेलों में प्रयुक्त होने वाली कैथोड हैं एनोड हो गया एवं विद्युत परिपथ हो गया। सेल कैथोड एनोड और विद्युत अवघट। शुष्क सेल इसमें जस्ता कैथोड के रूप में प्रयोग होता है, एनोड के रूप में कार्बन। और विद्युत अवघटन है इसका मैग्नीज डाइऑक्साइड नौ सादर आदि का मिश्रण। वोल्टीय सेल की बात करें तो जस्ता तांबा और सल्फ्यूरिक अम्ल। लैक्लांसे सेल इसमें दस्ता एनोड के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के मिश्रण में कार्बन की छड़ नौ सादर इसका विद्युत अवघटन है। ठीक है। कुछ सेलों के विद्युत वाहक बल की बात करें अगर हम लोग तो ये सेल हो गए और ये इसके विद्युत वाहक बल हो गए। वोल्टीय सेल इसका विद्युत वाहक बल है 1.08 वोल्ट। डेनियन सेल 1.08 वोल्ट। शुष्क सेल 1.50 वोल्ट। लैक्लांसे सेल 1.50 वोल्ट। ताप परिवर्तन का प्रतिरोध पर प्रभाव। ताप बढ़ने पर धातु के तार का प्रतिरोध बढ़ता हुआ बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। प्रति इकाई ताप विद्युत से विद्युत चालक के प्रतिरोध में जो आंशिक वृद्धि होती है उसे उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक। कुछ अधातुएं जैसे आपकी कार्बन की छड़ हो गई या फिर नाइक्रोम, क्या नाइक्रोम का प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत अधिक होता है। प्रतिरोधों का मान चालक की लंबाई बढ़ने से बढ़ता है। प्रतिरोधों का सामूहिकरण सैडीक्रम, यदि R1, R2, R3 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हों तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? R=R1+R2+R3। इस तरह से समानांतर अगर हम लोग क्रम की बात करें, समानांतर क्रम में इस स्थिति में आपके प्रतिरोध होगा R1/R1R1+R2+R3। समानांतर इस तरह की बात की जा रही है, एक ही लाइन में समांतर। ठीक है। इसके बाद आगे है
चौप का नियम, किर चौप का नियम, किसी संधि पर पहुंचने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी बंद परिपथ में विभव में परिवर्तन का योग भी शून्य होता है। उपयोग की बात करें हम लोग तो व्हीट स्टोन है सेतु, यह चार प्रतिरोधों की व्यवस्था है जिसमें एक प्रतिरोध का माप अन्य तीन प्रतिरोधों के पद में की जाती है। मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। वैभव मापी, इसके द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर मापा जाता है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव है जो रासायनिक बंधन द्वारा एक दूसरे से या फिर केंद्रक से जुड़े रहते हैं। अतः विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव अवश्यभावी है। विद्युत अपघटन एवं विद्युत रासायनिक बल इसके उदाहरण है। फिर आपका विद्युत अपघटन, किसी पदार्थ किसी धातु में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर दो आवेशित भाग, एक ऋणायन और दूसरा धनायन में अपघटित होना विद्युत अपघटन कहलाता है। धनावेश कण कैथोड की ओर और जो ऋणावेश कण होता है एनोड की ओर होता है। विद्युत लेपन, किसी विद्युत अपघटन क्रम में एक धातु की पतली परत को दूसरी धातु पर चढ़ाने को विद्युत लेपन कहते हैं। किसी विद्युत अपघटन क्रम में एक जो धातु होती है उसकी पतली परत को दूसरी धातु पर चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। विद्युत लेपन के महत्व की अगर बात करें हम लोग तो आपने सुना होगा सुरक्षा के लिए लोहे को जंग से बचाने के लिए इसका उपयोग होता है। सजावट के लिए जैसे तांबे पर चांदी या फिर सोने की परत चढ़ाई जाती है। आपने आभूषण भी देखे हैं कि कई तांबे के आभूषणों पर सोने की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है उन्हीं की। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल, यह परिपथ में दो बिंदुओं के बीच आवश्यक विभवांतर बनाकर विद्युत धारा के प्रभाव को लगातार बनाए रखने वाली युक्ति है। इसमें दो धातु की छड़ें होती हैं जिन्हें कैथोड ऋणावेश और एनोड धनावेश कहा जाता है। ये छड़ें विभिन्न प्रकार के विलयनों में डूबी हुई हैं जिन्हें विद्युत अपघटन क्या कहते हैं? विद्युत अपघट कहते हैं। फिर आपका प्राथमिक और द्वितीयक सेल, प्राइमरी एवं सेकेंड सेल। प्राथमिक सेल की बात करें तो इनमें रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जैसे आप वोल्टीय सेल को ले सकते हैं, लैग्रांज सेल को, डेनियल सेल को, शुष्क सेल को, टॉर्च वाले, इनकी बात कर रहा हूँ। अगर द्वितीय सेल की बात करें तो इनमें पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, उसके बाद फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें बेहद रासायनिक ऊर्जा को पुनः आवेशन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फिर एक शब्द है आपका ध्रुवण, सेलों में प्रतिक्रिया में बाधा पहुंचाते हैं जैसे हाइड्रोजन का बुलबुला बनना। प्रतिध्रुवक पदार्थ, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। विद्युत शक्ति का मापन की बात करें अगर 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड बराबर शक्ति, VOT इकाई है, VO2 इकाई बराबर ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट 1 हॉर्स पावर HP बराबर आपका 746 वाट होता है। 1 BOT बराबर 1 किलो आपका LC बराबर 36 × 10^5 J। मकानों में जो बिजली का के मीटर होते हैं वे BOT इकाई ही प्राप्त की जाती है और यह वाटेज पर आधारित है। किस पर? वाटेज या वोल्टेज। फ्यूज, ये भी आपने देखा होगा, फ्यूज यह टिन एवं लेड की एक मिश्र धातु होती है जिसका गलनांक बहुत कम होता है और प्रतिरोध इसका उच्च होता है। जब विद्युत धारा का मान परिपथ में बढ़ता है तो फ्यूज का तार गलनांक कम होने के कारण गल जाता है। यह परिपथ में सरणी क्रम में जोड़ा जाता है जिससे आपने देखा होगा कि आपके उपकरण जो भी होते हैं वो सुरक्षित बने रहते हैं। बिजली का बल्ब, इसका फिलामेंट टंगस्टन का होता है। बल्ब के भीतर हवा इसलिए नहीं भरी जाती है क्योंकि टंगस्टन ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा यानी कि जलकर राख हो जाएगा। निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है ताकि टंगस्टन के ऑक्सीकरण को रोका जा सके और बल्ब को काला होने से बचाया जा सके। टंगस्टन का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है इसका प्रतिरोध। फिर आपने सुना होगा संधारित्र, कैपेसिटर, यह युक्ति जिस पर आवेश को स्थितिज ऊर्जा के रूप में जमा किया जाए संधारित्र कहलाता है। कोई संधारित्र दो चालकों का बना होता है जिसमें एक आवेशित और दूसरा भूमि से जुड़ा रहता है। इसका मुख्य कार्य चालक की धारिता को बढ़ाना होता है। क्या होता है? चालक की जो धारिता होता है उसे बढ़ाना होता है। सैडी क्रम,
इस परिस्थिति में यदि तीन संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2, C3 है तथा परिणामी धारिता CO, तो इस तरह से इसे लिख सकते हैं। समानांतर श्रेणी की बात करें तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। डायनेमो, डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र होता है आपका, जो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किसके? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। भंवर धारा, एडी करेंट किसी धातु के टुकड़े को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखने या फिर स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर उसमें प्रेरित धाराएं भंवर धाराएं कहलाती हैं या चक्करदार होती हैं। कैसी होती हैं? चक्करदार। फिर आप सुनते हैं ट्रांसफार्मर। यह एक युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में एवं निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता से उच्च वोल्टता में बदलती है। ट्रांसफार्मर, आपने सुनते रहते हैं कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया, लाइट चली गई, ये वही है। सेटअप टाइप, स्टेप अप टाइप, ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है। स्टेप डाउन टाइप, ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है। जिस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है वह प्राथमिक और दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं हम लोग। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र आपका माइक्रोफोन है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, तथा उसकी वोल्टता आपकी 22,000 वोल्ट या इससे अधिक हो सकती है। ग्रेड ऑफ उप स्टेशन ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टता बढ़ा देते हैं, जो आपका 132,000 वोल्ट तक भी हो सकती है, ताकि विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम हो सके। फिर सुनते हैं आप लोग कूलम्ब का नियम। समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित और असमान आवेश आकर्षित करते हैं। दो आवेश जिनके परिमाण Q1 और Q2 हैं के बीच लगने वाले बल की बात करें तो F बराबर A Q1 इंटू Q2 अपॉन D स्क्वायर, जहाँ D आपका दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई और जो A है आपका स्थिरांक हो गया। क्या हो गया? स्थिरांक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश पर लगने वाला बल उस क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत स्थितिक प्रेरण, किसी चालक पर दूसरे आवेशित चालक के कारण आवेशित होने की प्रक्रिया विद्युत स्थितिक प्रेरण कहलाता है। फिर आपका चुंबकत्व, क्या है चुंबकत्व? चुंबकत्व का अणु सिद्धांत वेवर 1852 में और इरविंग 1890 में। किसी चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने में एक पूर्ण चुंबक होता है। क्या होता है? पूर्ण चुंबक होता है। अन्य गुणों की बात करें इसमें तो चुंबक के दोनों ध्रुवों की प्रबलता समान होती है। किसी चुंबक को दो या दो से अधिक भाग में तोड़ने पर प्रत्येक भाग अलग से चुंबक पूर्ण चुंबक ही रहता है। वही काम करता है जो पूर्ण चुंबक करता है। आप कितने भी टुकड़े करते जाइए इसके, ये पूरी तरह से एक चुंबक ही रहेगा। क्यूरी बिंदु, वह तापक्रम जिस पर चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है क्यूरी बिंदु कहलाता है। ये सामान्यतः कितना होता है? 6,690 डिग्री सेल्सियस से 870 डिग्री सेल्सियस के बीच। ठीक है, फिर आपका मैग्नेटोस्टिक्शन, जब किसी लोहे की छड़ को चुंबकीय किया जाता है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया आपकी मैग्नेटोस्टिक्शन कहलाती है। चुंबकत्व का आधुनिक सिद्धांत, चुंबकत्व का कारण इलेक्ट्रॉन का कक्षा में घूमना है। विपरीत ध्रुवों में आकर्षण तथा समान ध्रुवों में परस्पर विकर्षण होता है इसमें चुंबक में। चुंबकीय क्षेत्र, वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है जहाँ तक चुंबक का प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, घूमते हुए आवेश का भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र की अगर तीव्रता की बात करें हम लोग, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में इकाई उत्तरी ध्रुव द्वारा अनुभव किया गया बल उस बिंदु की चुंबकीय तीव्रता कहलाता है।
तीव्रता बराबर एम्पियर अपॉन मीटर, इस तरह से निकाल सकते हैं। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। इसमें फ्रैक्टिक चुंबक यानी कि लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है इसका सूत्र, ठीक है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। क्या होता है? इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। चुंबकीय वैभव इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का चुंबकीय वैभव कहलाता है। चुंबकशीलता चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए चुंबकीय पदार्थों से होकर अधिक बल रेखाएं गुजरती हैं। इस गुण को चुंबकीय चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकशीलता। चुंबकीय प्रवृत्ति किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पदार्थ में प्रेरित चुंबकन तीव्रता है। जिस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक है उसे आसानी से चुंबक बनाया जा सकता है। नरम लोहे के लिए इसका मान इस्पात से अधिक होता है। क्या होता है? नरम लोहे के लिए इसका मान इस्पात से अधिक होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ इनमें चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर आने की प्रवृत्ति होती है। ये ठोस तरल गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं, जैसे प्लेटिनम ऑक्सीजन पोटेशियम, ठीक है। पर आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। जस्ता तांबा चांदी सोना हीरा नमक जल या आपकी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। लोहे चुंबकीय पदार्थ केवल ठोस एवं क्रिस्टलीय, जैसे आपका लोहा निकेल कोबाल्ट इत्यादि लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं आपके, ठीक है। पार्थिव चुंबकत्व पृथ्वी के भीतर छोटा किंतु शक्तिशाली चुंबक व्यतीत होता है जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरता है। दिक्पात चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्र के बीच का कोण होता है, उसे हम लोग दिक्पात कहते हैं। नमन डिप किसी स्थान पर पृथ्वी की परिणामी चुंबकीय तीव्रता क्षेत्र दिशा के साथ जो कोण बनाती है वह नमन कोण नमन कहलाता है। ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, और विषुवत रेखा पर ये 0 होता है, तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और विषुवत रेखा पर सबसे कम यानी कि 0। फिर आपकी क्षेत्र तीव्रता किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्र में पृथ्वी की परिणामी तीव्रता का क्षेत्र दिशा में घटक क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। चुंबकीय यामोत्र यह एक काल्पनिक रेखा है जो स्वतंत्र रूप से लटकाए गए चुंबक की ध्रुवों से होकर गुजरती है। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकशीलता इससे अधिक होती है 1 से, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए कम होती है 1 से, ठीक है। जहाज का डिसगाउसिंग, जहाज की डिसगाउसिंग या चुंबकीय सुरंगों से जहाज को बचाने की तकनीक है। जहाजों में हजारों एम्पियर की धारा प्रभावित करके ऐसा किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब किसी कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है या घटता है तब उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ऐसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम चालक के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर उत्प्रेरित धारा की दिशा दर्शाता है। तर्जनी धारा की दिशा तथा बीच वाली उंगली सुई की दिशा तथा अंगूठी की दिशा चुंबकीय बल की दिशा आपको बताती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन जितने से ज़्यादा हो सके इसे पढ़ने के बाद लगाइए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि और आपके लिए 1000 क्वेश्चंस 1100 कोई करीब क्वेश्चंस आपके वन डे एग्जाम के लिए भी लगवा दूँ। सिविल सर्विस स्टेट PCS के लिए तो काफ़ी लगवा चुका हूँ, 1100 करीब इसे भी करवा दूँ कवर, तो मुझे लगता है कि आप कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। अब बात करते हैं आधुनिक भौतिकी। परमाणु 3 मौलिक कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। परमाणु किन 3 कणों से बनाए? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसके लिए आप लोग इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, इसे वैसे हम लोग NCERT में पढ़ लिए हैं, लेकिन इसके लिए एक सूत्र है आपका या ट्रिक कह लीजिए इसे। वैसे मैं ट्रिक पर भरोसा नहीं करता हूँ, देखिए किसी भी मतलब मैं कहता हूँ कि डिटेल में पढ़िए, उसके बाद जो नहीं रट पा रहे हैं मतलब जो नहीं आपको याद हो रहा है उसे आप लोग ट्रक से यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जैसे ईंट पर नाच, तो ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, टॉमसन ने इसकी खोज की थी।
प्रोटॉन इंट पर, पी से प्रोटॉन और आ से रदरफोर्ड, नाच एन से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। ठीक है, परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षाओं में घूमते रहते हैं। परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की का द्रव्यमान आपका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या समान एवं आवेश विपरीत होता है, जिसके कारण यह उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। मूल कणों की अगर हम लोग विशेषताओं की बात करें तो एक कण हो गया द्रव्यमान, हो गया किलोग्राम में, आवेश हो गया वो खोजकर्ता हो गया प्रोटॉन। इसके द्रव्यमान की बात करें तो 1.672×10^-27 है, और आवेश इसका प्लस में क्या है, प्लस में 1.6×10^-19। इसके जो खोजकर्ता थे गोल्डस्टीन को भी माना जाता है, रदरफोर्ड को भी माना जाता है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन इसके द्रव्यमान की बात करें तो 1.675×10^-27 किलोग्राम, इसका आवेश जीरो है, उदासीन बिल्कुल जीरो। इसके जो खोजकर्ता है उनका नाम जेम्स चैडविक, 1932 में इन्होंने खोज की। इलेक्ट्रॉन इसके द्रव्यमान की बात करें तो 9.109×10^31 किलोग्राम, आवेश है 1.6×10^-19। इसके जो खोजकर्ता है उनका नाम है जे जे थॉम्सन, 1897 में इन्होंने खोज की। फोटोन इसका द्रव्यमान जीरो है और आवेश भी जीरो है, आइंस्टीन ने इसकी खोज की, आइंस्टीन। पॉजिस्टॉन 9.108×10^-31 किलोग्राम, इसका प्लस में आवेश है 1.6×10^-19। एंडरसन ने 1932 में इसकी खोज की। न्यूट्रिनो इसका जीरो द्रव्यमान, जीरो आवेश है। पाउली ने 1930 में इसकी खोज की। पाई मेसोन इलेक्ट्रॉन का 274 गुना, और इसके आवेश की बात करें हम लोग तो प्लस भी, और प्लस मतलब धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है इसका। चुकावा इसके खोजकर्ता थे, 1935 की बात है। ठीक है, रेडियो विकिरण, रेडियो धर्मी विकिरण कैथोड बीटा रेड आवेशित और एनोड अल्फा धनावेशित, एक्स एवं गामा विकिरण अनावेशित होती है। क्या होता है? जो कैथोड बीटा होता है ये ऋणावेशित होता है, एनोड अल्फा धनावेशित, और जो एक्स और गामा विकिरण होती हैं किरणें ये अनावेशित होती हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6×10^-19 जूल एक एम यू को ऊर्जा में बदलने पर 931 MeV ऊर्जा निकलती है आपकी। रेडियो सक्रियता कुछ पदार्थों के केंद्रक का लगातार विखंडन और उनका दूसरे केंद्रकों में परिणता होना रेडियो एक्टिविटी कहलाता है, रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो सक्रियता। इस विखंडन में अल्फा बीटा गामा किरणें भी निकलती हैं। अल्फा किरणें धनावेशित होती हैं और बीटा किरणें आपकी ऋणावेशित होती हैं, और जो गामा किरणें होती हैं ये किरणें अनावेशित होती हैं। इस प्रक्रिया द्वारा नए परमाणु तत्व भी बनते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेकरल, पी क्यूरी और एम क्यूरी ने किया था। इस खोज के लिए इन्हें तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, रॉबर्ट फेरे एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी। इन दोनों को भी एक बार साथ में आपका नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा के विकिरण के उत्सर्जन के बाद अनंत सीसा में बदल जाते हैं। अल्फा बीटा और गामा के गुणों की बात करें हम लोग तो एक गुण हो गए ये अल्फा बीटा और गामा। उत्पत्ति नाभिक से, और बीटा की नाभिक से और गामा की भी नाभिक से। प्रकृति की बात करें तो धनात्मक ऋणात्मक उदासीन। तो रचना की बात करें 2He^4 और इसका 1E^0 और फोटोन। द्रव्यमान की बात करें 6.6×10^-27 किलोग्राम, और बीटा की बात करें 9.1×10^31 किलोग्राम, शून्य -31 है। ठीक है, शून्य इसका। आवेश की बात करें +2E
इसका 1/6 × 10⁻¹⁹ सी शून्य। इसका भेदन क्षमता की बात करें तो सबसे कम अल्फा की क्या है, सबसे कम भेदन क्षमता है, और बीटा की बात करें तो अल्फा किरणों की अपेक्षा 100 गुना इसकी अधिक है, और सबसे अधिक होती है आपकी गामा किरणों की। क्या होती है? गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा किरणें अल्फा और बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होते हैं। सबसे अधिक भेदन क्षमता आपकी गामा किरणों की होती है। एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी देखने को मिलती है। कैथोड किरण क्या है? कैथोड किरण जब विसर्जन नलिका के सिरों पर 20 किलो वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है तब उसका दाब 0.1 मिलीमीटर पारिक स्तंभ के बराबर होता है, तो उसके कैथोड से 1 इलेक्ट्रॉन पुंज निकलने लगता है, इसे ही कैथोड किरण कहते हैं। अतः कैथोड किरणें केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज है। गुण की बात करें हम लोग तो कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है। केथोर किरणों के उत्पादन में वैभव का स्रोत पेरेड कुंडली होता है जो कम वैभव की सेल से बहुत उच्च वैभव प्रदान करते हैं। यह पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। केथोर किरणें आदर्श होती हैं और सीधी रेखाओं में चलती हैं। क्या होती हैं? सीधी रेखाओं में चलती हैं। केथोर किरणें ऋणात्मक होती हैं इसलिए केथोर से एनोड की तरफ गमन करती हैं। किससे? केथोर से एनोड की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं और अपनी सतह से लंबवत निकलती हैं। केथोर किरण का वेग की बात करें तो ये विकास के वेग का 1/10 गुना होता है। यह किरण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। यह गैसों को आयनीकृत कर देती हैं और धातु पर ऊष्मीय प्रभाव दिखलाती हैं। यह फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करते हैं। इसकी भेदन क्षमता कम होती है या पतली धातु की चादर से पार कर जाती है। केथोर किरणें जब विद्युतीय क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती हैं तो इनका रास्ता परवलयाकार होता है। जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। धनात्मक किरणें क्या है? धनात्मक किरणें विसर्जन नालिका में यदि छिद्रयुक्त कैथोड प्रयुक्त किए जाएँ तो इनसे निकलने वाली किरणें कैथोड किरणों की ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं और एनोड की ओर कुछ किरणें निकलती हैं। अतः ये एनोड से निकलने वाली धनावेशित किरणें हैं। इनका पता 1886 में गोल्डस्टीन ने लगाया था। किसने? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, अगर इनके गुणों की बात करें तो किरणें धनात्मक होती हैं और ये पितिदीप्त और स्फुरदीप्त उत्पन्न करती हैं। ये विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित हो जाती हैं। रेडियो एक्टिव तत्वों की बात करें तो U238, यूरेनियम 235, फ्यू पोटेशियम 200, थोरियम, ये यूरेनियम 238 हो गया, यूरेनियम 235, ये भी आपका रेडियो तत्व है। इसके बाद आपका ये आपका प्लूटोनियम 239, उसके बाद थोरियम 232 भी, ये भी आपका रेडियो एक्टिव तत्व है। यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 और थोरियम 232। अर्ध जीवन काल की बात करें तो वह समय जिसमें रेडियो सक्रिय पदार्थों की परमाणु की संख्या मूल परमाणु की संख्या की आधी हो जाती है उसे हम लोग अर्ध जीवन काल कहते हैं। मात्रक विखंडन का मात्रक क्यूरी है। क्या है? क्यूरी है। एक क्यूरी बराबर होता है आपका 3.70×10⁻¹ परमाणु विखंडन प्रति सेकंड। एक रदरफोर्ड बराबर 10⁶ परमाणु विखंडन प्रति सेकंड। रेडियो सक्रिय पदार्थ विखंडित होकर होते होते एक स्थायी परमाणु विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। अधिकतर रेडियो सक्रिय पदार्थ विखंडन के दौरान पीवी के परमाणु तक आकर स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं और कुछ बिस्मत -209 तक भी प्राप्त करते हैं। उन्हें न्यूक्लियर का रेडियो एक सक्रिय विखंडन होता है जिनके लिए N/P का मान 1.5 से अधिक होता है। नाभिकीय विखंडन क्या? नाभिकीय विखंडन किसी भारी परमाणु केंद्रक का लगभग 2 बराबर भागों में टूटना परमाणु विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु विखंडन कहलाता है।
इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। इस ऊष्मा का उपयोग परमाणु रिएक्टर में अथवा फिर परमाणु बम बनाने में किया जाता है। यूरेनियम 238, प्राकृतिक यूरेनियम में 200, यूरेनियम 238, 235 एक क्रमशः 99.3 और 0.7% पाए जाते हैं, यानी कि आपका यूरेनियम 238 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यूरेनियम 235 अधिक विखंडनीय होता है। ये कितना पाया जाता है? 0.7%, बहुत कम मात्रा में। अतः इसका प्रयोग परमाणु बम के निर्माण में किया जाता है। किसके? परमाणु बम के निर्माण में। सिल्वा, फ्रांस द्वारा विकसित यूरेनियम संवर्धन की एक नई तकनीक है। सिल्वा यूरेनियम 235 का विखंडन करके यूरेनियम 235 प्लस N1 इस तरह से करते हैं। एक यूरेनियम परमाणु के विखंडन में से 200 MeV ऊर्जा मुक्त होती है आपको। क्रांतिक मात्रा, विखंडन योग्य पदार्थ की वह न्यूनतम मात्रा जो कि श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है। नाभिकीय रिएक्टर, वह संयंत्र जहां नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नाभिकीय रिएक्टर की अगर उपयोगों की बात करें हम लोग, तो इससे प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। रिएक्टर में अनेक प्रकार के समस्थानिक उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान और कृषि आदि में भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका आगे मंदक, मॉडरेटर, विखंडन की क्रिया के पश्चात उत्पन्न न्यूट्रॉनों के वेग को कम करने वाले कारक को हम लोग मंदक कहते हैं। ग्रेफाइट आपका भारी जल है। क्या? ग्रेफाइट भारी जल। शीतलक, जैसे पानी, भाप, भारी जल, CO2, हीलियम, सोडियम इत्यादि। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR, वह युक्ति जिसमें विखंडन से प्राप्त अतिरिक्त न्यूट्रॉन दूसरे विखंडन में प्रयुक्त किए जाते हैं। इस रिएक्टर में शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? इसमें करते हैं आप लोग सोडियम का। किसका? सोडियम का। नियंत्रक छड़, कंट्रोल रोड्स, कार न्यूट्रॉन का अवशोषण जैसे कैडमियम एवं बोरॉन। परमाणु बम, परमाणु जो बम होता है आप लोग सुनते रहते हैं, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। परमाणु बम किस पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय संलयन, दो छोटे न्यूक्लियसों को संयुक्त कर बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करना नाभिकीय संलयन कहलाता है, यानी कि जोड़ना। इस क्रिया के लिए बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। हाइड्रोजन बम, परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और जो आपका हाइड्रोजन बम है ये आपका नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं। H1+H2, फिर क्रिया करके HeHe+N इस तरह से ये ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलग्न का ही परिणाम है। सूर्य की ऊर्जा है जो ये आपकी नाभिकीय संलग्न का ही परिणाम है। ठीक है, सूर्य एवं तारा से प्राप्त ऊर्जा एवं विकास का स्रोत नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम, वह नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, जो परमाणु बम से बहुत अधिक विनाशकारी हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी इस धरती को एक बार नहीं, हजार बार खत्म किया जा सकता है। इतने परमाणु बम और हाइड्रोजन बम बनाए जा चुके हैं, समझ रहे हैं आप लोग? इतना मतलब शक्तिशाली हो चुके हैं वहाँ। तो हम अपना स्थाई नाम समझें, पता नहीं कब क्या हो जाए और कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। ठीक है, ठंडा संलयन, कम ताप पर संलयन करना ठंडा संलयन कहलाता है। प्रतिपादक डॉक्टर स्टैनली फ्रांस एवं डॉक्टर फेसमैन इसके प्रतिपादक थे। नाभिकीय फॉल आउट, एक प्रकार की नाभिकीय प्रदूषण है। क्या है? नाभिकीय प्रदूषण है जो परमाणु बम गिरने के बाद रेडियो सक्रिय पदार्थों के रूप में निकलते हैं, नीचे गिरते हैं। फिर आपका अर्धचालक क्या है? सेमीकंडक्टर, जिन पदार्थों की विद्युत
प्रतिरोधकता कुल चालक एवं स्वचालक की प्रतिरोधक क्षमता के बीच हो, वे अर्धचालक कहे जाते हैं। इनकी प्रतिरोधक क्षमता तापक्रम के बढ़ने पर घटती है, बढ़ने पर क्या होती, घटती है। अर्धचालकों की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फलता भी क्रिस्टल का रूप धारण किए रहते हैं, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया आदि। जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि, ठीक है। उसके बाद हम लोग डोपिंग क्या है, कुछ अशुद्धियों को मिलाकर अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने को हम लोग डोपिंग कहते हैं। एन प्रकार, एन टाइप, जब आर्सेनिक को जर्मेनियम और सिलिकॉन में मिलाया जाता है तो इस प्रकार बने अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के बच जाने के कारण इनकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है, इसमें वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी प्रकार, इसमें अशुद्धि के रूप में गैलियम ग्रुप का, ग्रुप से थर्ड का प्रयोग होता है, इसमें वाहक छिद्र भी होता है। संधि, दो या अधिक प्रकार के पी प्रकार के या फिर एन प्रकार के अर्धचालकों को मिलाना संधि कहलाता है। ट्रांजिस्टर, बल्ब के स्थान पर प्रयुक्त इलेक्ट्रिक परिपथ ट्रांजिस्टर कहलाता है। उपयोग संचार व्यवस्था, औषधि इत्यादि में इसका प्रयोग होता है। एनपीएन या फिर पीएनपी प्रकार से जुड़े अर्धचालकों को ट्रांजिस्टर कहते हैं, जो ट्रायोड वाल्व की तरह कार्य करते हैं। डायोड, दृष्टकारी के रूप में प्रयुक्त होता है डायोड। ट्रायोड, विवर्धक, दृष्टकारी, दोलनकारी और मॉड्यूलेटर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइक्लोट्रॉन, यह उच्च गति वाले आयरन को पैदा करने वाला यंत्र है। विकास विद्युत प्रभाव, विकास की किरणों के प्रभाव से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को विकास विद्युत प्रभाव कहते हैं हम लोग। फिर आपका आगे आपेक्षिकता का सिद्धांत, न्यूट्रॉन के अनुसार पदार्थों की मात्रा से उसकी गति का कोई संबंध नहीं होता और मात्रा सदैव नियत रहती है, परंतु आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार वस्तु का द्रव्यमान वेग के साथ परिवर्तित होता रहता है। मात्रा ऊर्जा संबंध, जब एम द्रव्यमान की वस्तु विकास के वेग सी से चलती है तो उसका कुल परिमाण एम और ऊर्जा ई में परिवर्तित हो जाता है, जो एम सी स्क्वायर के बराबर होता है, अर्थात ई बराबर एम सी स्क्वायर, जहाँ सी आपका विकास का वेग है और एम वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है। अति चालकता, ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे किसी चालक का तापक्रम घटाया जाता है उसका प्रतिरोध कम होता जाता है और परम शून्य पर्यशून्य हो जाता है, ऐसी स्थिति अति चालकता की स्थिति कहलाती है। क्रांतिक ताप, किसी ताप पर वस्तु अति चालकता प्राप्त कर ले उसे क्रांतिक ताप कहा जाता है, या परम शून्य ताप से आपका 13 डिग्री सेल्सियस ऊपर से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस कम तक पाया जाता है। खोज की बात करें तो 1911 में एच के ओन्स और 1957 में जॉन बर्डी, एल एन कपूर तथा जॉन सराफ ने की थी इसकी खोज। स्क्विड, यह है आपके जो सेप्सन संधि पर कार्य करता है। सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस, इसका कार्य अत्यंत कम चुंबकीय क्षेत्रों का पता लगाना होता है। अति चालकों को प्रा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से ही तैयार किया जाता है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, अति निम्न तापमान उत्पन्न करने की युक्ति है। रेशा प्रकाश की यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। 1907 में लुइस बर्गुएट फ्रांस ने पहली बार हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी थी। क्या की थी? लुइस बर्गुएट फ्रांस ने पहली बार हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी थी। फिर आपका दुई अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें कैल्साइट या फिर क्वार्ट्ज से गुजरती हैं तो उनका दो बार अपवर्तन होता है। जो किरणें अपवर्तन के नियम का पालन करती हैं वे साधारण एवं जो नहीं करती हैं भी असाधारण किरणें कहलाती हैं। लेजर, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, का उपयोग संचार, मौसम, चिकित्सा, होसोग्राफी, एक्यूपंचर, सेना, खाद्यान्न आदि क्षेत्रों में होता है इसका उपयोग, ठीक है। उसके बाद है मेजर, लेजर माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका उपयोग अंतरिक्ष एवं समुद्र में संदेश से संप्रेषण, जटिल ऑपरेशन, कैंसर, अल्सर और आँख की बीमारियों की चिकित्सा हेतु किया जाता है मेजर का उपयोग। रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग,
के द्वारा रेडियो तरंगों की सहायता से आकाशगामी वायुयानों की स्थिति एवं दूरी का पता लगाते हैं। फिर आपके भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोजें हैं, एक खोज हो गई, ये वैज्ञानिक हो गए इनके वर्ष। तैरने के नियम आर्किमिडीज ने खोजे थे 300 ईसा पूर्व में, कब 300 BC में। गति विषयक नियम न्यूटन, ये 1687 ईस्वी की बात है। विद्युत आकर्षण के नियम कूलम 1779, परमाणु जॉन डाल्टन 1808 की बात है। फोटोग्राफ धातु में जे निप्से 1826 में। विद्युत प्रतिरोध के नियम GS ओम 1827। विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फराडे 1831। फोटोग्राफी कागज में W फॉक्स टालबोट 1835। आवर्त सारणी मेंडलीव 1869। फोटोग्राफी फिल्म में जॉन कार्वर 1888। एक्स किरणें या आपकी विलहेम रोंटजन 1895। रेडियो एक्टिविता हेनरी बेकरल 1896 में। रेडियम मैडम क्यूरी 1898 में। तपायनिक उत्सर्जन एडिसन 19वीं शताब्दी में। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे 19वीं शताब्दी में। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक 19वीं शताब्दी में। बेतार का तार मार्कोनी 1901 की बात। डायोड बल्ब सर जे एस फ्लेमिंग 1904। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन 1905। विकास विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन 1905। डायोड बल्ब डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट 1907। परमाणु संरचना नील बोहर रदरफोर्ड 1913। रमन प्रभाव सीवी रमन 1928 की बात है। नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी 1942 में। आपसे पूछ लेगा कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी, कब की थी, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपकी होती फिजिक्स खत्म। आगे हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ मैं कि आप क्वेश्चन जितने से ज़्यादा हो सके, किताबें कम पढ़िए लेकिन क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, 1000-2000 क्वेश्चन आप हर सब्जेक्ट से संबंधित प्रैक्टिस कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कोई क्वेश्चन आपका गलत हो पाएगा, लेकिन आप सोचें कि किताब पढ़ के, कोई भी किताब पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए और आप सफल भी हो पाएंगे उस काम में। ठीक है दोस्तों, रसायन विज्ञान को हम लोग आगे बात करेंगे।